करेंगे बायत के गेंदबाज सूरज खामकर। पावर प्ले का इशारा अंपायर की ओर से। भाया पाटिल और भावेश नाइक, ये दो बल्लेबाज, भावेश नाइक कप्तान भी है ठाणे स्ट्राइकर्स के। भाया पाटिल बायत के बहुत ही एलिगेंट स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। खेल की शुरुआत, टूर्नामेंट की पहली गेंद, अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट, हल्के हाथों से छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए पुश किया। मिड ऑन के खिलाड़ी इससे पहले की गेंद पर आते, पहली गेंद पर सिंगल, बैंग ऑन टारगेट पहली गेंद थी। और ये अच्छी सोच की शुरुआत मैं समझता हूँ गेंदबाज की ओर से। कई बार हम गेंदबाजों को देखते हैं प्रमोद की थोड़ी लूजनर से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी लूजनर नहीं। निश्चित स्वरूपात फक्त हल्केश हाताने सॉफ्ट हँड बॉडमेंटचा उपयोग केला, फक्त कलात्मक फटका खेळत असताना मनगडामध्ये जान आहे असं दाखवलं लेफ्ट हँड बॅटरने, आणि सिंगल मिळाली ही मात्र एक चांगल्या खेळाडूची निशाणी असते। पहिला बॉल रीड करणं, त्याला मात्र सुरेख पद्धतीने खेळणं आणि तदनंतर आपण पाहतायत नॉन स्ट्राईकला येणं, अशा पद्धतीने मात्र आपण पाहू शकाल खूप चांगल्या प्रकारचा स्ट्रोक खेळत असताना ऑन साईडला एक धाव निश्चित स्वरूपात मिळाली। खातं ओपन केलं जातं, डिस्ट्रिक्ट वाईज बी क्रिकेट आहे। इस बार ड्राइव किया है, थोड़ी बाहर लगी बल्ले के, खेलना चाहते थे कवर्स में लेकिन गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट पर। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए भावेश नाइक को। तो कप्तान ने भी अपना खाता खोल दिया है पहली गेंद पर। बहुत बेहतरीन ये मैदान है भिनार का डीडी ग्राउंड, और एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड अभी माना जा रहा है क्योंकि बाउंड्रीज आप देखोगे तो बहुत लंबी बाउंड्रीज नहीं है। जरूर कुछ कोने मैदान के थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ओवरऑल जो डायमेंशंस है बाउंड्रीज के मैदान के वो थोड़े छोटे नजर आते हैं। विकेट अच्छा खेलता है इस बार, हवा में खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, डीप कवर में खिलाड़ी गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। भाया पाटिल लौटते हुए पवेलियन की राह पर, पहला झटका लगा है पहली ओवर में ठाणे स्ट्राइकर्स को। इनसाइड आउटचा फटका खेळण्यासाठी मात्र या ठिकाणी तत्पर होते फलंदाज, आपण पाहू शकलात मिस्टर भाया पाटील, आणि तिथे एक्स्ट्रा कव्हरला कोणतीही चूक केली नाही वीरेंद्र बाबरेने मॅन फ्रॉम सातपाडी, आणि अतिशय सुंदर जजमेंटने झेल टिपला गेला आणि फलंदाज या ठिकाणी झेल करवी, पहिलाच फलंदाज बॅक टू द डगआउट। हालांकि गेंद ऐसी थी कि उस पर करारा प्रहार करना लाजमी था क्योंकि आगे रखी हुई गेंद थी, ओवर पिच थी और थोड़ी जगह भी थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, सिर थोड़ा सा आसमान में चला गया स्ट्रोक खेलते समय, सही बॉडी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। अवे फ्रॉम द बॉडी ड्राइव लगाया लेकिन हवा में खेल बैठे, पूरी तरह से मिसटाइम कर बैठे थे। अच्छा कैच वहां पर वीरेंद्र बाबरे द्वारा, दो पर गिरा है पहला विकेट, केवल एक रन जोड़ पाए इस उद्घाटनीय मैच में भाया पाटिल। नए बल्लेबाज पृथ्वीराज, पृथ्वीराज यादव। और पहले ओवर में जब जल्दी विकेट गिर जाता है तो कहीं ना कहीं वन डाउन बल्लेबाज पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, थोड़ा प्रेशर भी रहता है, लेकिन अभी देखना है कि क्या सोच रहती है बल्लेबाज पृथ्वीराज यादव की। पावर प्ले चल रहा है और केवल दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, और उसमें से यदि किसी एक को आप ढूंढ लेते हो तो निश्चित रूप से आपके बल्लेबाजी पर प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं भाया पाटिल। पृथ्वीराज यादव दाहिने हाथ के बल्लेबाज, अंपायर से गार्ड लेते हुए ऑफसाइड में उनके लिए पांच फील्डर्स है और सभी सर्कल के अंदर नजर आते हुए ऑन साइड में दो सर्कल के अंदर दो बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं, जिसमें एक लॉन्ग ऑन है और एक डीप मिड विकेट, यानी कि पावर प्ले का टेनिस क्रिकेट का एक ऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रहा है, परंपरागत फील्ड प्लेसमेंट। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, आगे रखी हुई गेंद, हल्के हाथों से ड्राइव किया है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हाथ खोलने के लिए ज्यादा अवसर नहीं देना चाहते हैं पहले ओवर में, और अच्छे अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए सूरज खामकर। सिंगल के चलते स्कोर अब तीन रन एक विकेट के नुकसान पर, पहला मैच है धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप का, इस बार हैमर्ड किया है बैकफुट पर जाकर, रूम बनाकर खेला खूबसूरत स्ट्रोक, टूर्नामेंट का पहला चौका। वेट अँड वॉच केलं होतं यावेळेला आपण पाहिलं तर फ्रंट फुट बॅकफुट ओळखून, मात्र बॅटचं फेस ओपन करत यावेळेला इनफील्डच्या वरून खेळलं गेलं आणि खूप चांगला फटका येत असताना पहिला चौकार पाहायला मिळतो या ठिकाणी भावेश नाईकच्या बॅटमधून, जो स्वतः कॅप्टन आहे आणि कॅप्टन कसा असावा याचं फॉर एक्झाम्पल यावेळेला दर्शवत असताना पाहायला मिळतो। थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता परंतु परफेक्ट यावेळेला रीड केलं आणि चेंडूला मात्र पाठवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, पहिला चौकार।
अच्छा संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में, काफी दिशाहीन गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल रही थी, रूम बना रहे थे उसको देखते हुए ही शायद थोड़ी उंगलियां भी फेरी थी और बाहर निकाला भी था, लेकिन पहुंच गए बल्लेबाज गेंद तक। इस बार फिर से हवा में खेला उसी दिशा से, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक और खूबसूरत चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कप्तान भावेश नाइक। पहला विकेट जल्दी गिरा जरूर है, लेकिन ये काउंटर अटैक शुरू हो गया है। अब की बार शायद यॉर्कर डालना चाहते थे, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, जूसी हाफ वाले आप कह सकते हो, बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉफ्ट किया था इनफील्ड के ऊपर से पहले बाउंस पर चार रनों के लिए। तो इस तरह से पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ ठाणे स्ट्राइकर्स का स्कोर है 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। खूप चांगली फलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते भावेश नाईकच्या द्वारे, 3 बॉलमध्ये 9 धावा, 300 स्ट्राईक रेट मेंटेन करत असताना पाहायला मिळतोय। पृथ्वीराजला जर आपण पाहिलं तर 1 बॉलला फेस केलं त्याने आणि सिंगलच्या सहाय्याने नॉन स्ट्राईक एंडला राहिला 11-1 गडी बाद। चांगली सुरुवात झाली, जरी पहिला फलंदाज बाद झाला भाया पाटील आणि तदनंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी काय असते हे भावेश नाईक यावेला जाणत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। अंडर 24 हे सामने आणि अतिशय दमदार सुंदर सुरुवात झाली, यावेळेला 5:57 पहिला चेंडू या ठिकाणी जरूर पीच झाला आणि तदनंतर आपण पाहतायत या स्पर्धेला सुरुवात होताना खूप चांगली, गुड स्टार्ट, ब्युटिफुल स्टार्ट। अलग अलग मैदानों पर अलग अलग तरीके से क्रिकेट देखने को मिलता है, क्रिकेट का खेल बड़ा ही निराला है, बड़ा ही शानदार है, अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग खिलाड़ियों के विरुद्ध, अलग अलग टीमें अलग अलग टीमों के विरुद्ध अलग अलग रणनीतियां बनाते हैं, यही तो खूबसूरती है क्रिकेट खेल की। यहाँ पर बॉलर्स के लिए मार्जिन फॉर एरर काफ़ी कम नज़र आता है, जो भिवंडी सिटी के कुछ टूर्नामेंट्स हमने देखे हैं उसमें वो बात देखने को मिली है, लाइन और लेंथ को लेकर थोड़ा भी आप चूक जाते हो बतौर गेंदबाज तो आपको मार पड़ती है। नेवर लेकर गेंदबाज मुसद्दिक खुद कप्तान आक्रमण पर आते हुए, मुसद्दिक शेख जिन्होंने टॉस जीता इस मैच का और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, फ्लडलाइट्स ऑन हो चुके हैं। और इंप्रोवाइज तरीके से खेल दिया है, स्क्वेयर लेग की दिशा में डीप में, फील्डर कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए, 4 रन, बेहतरीन स्ट्रोक, खूप चांगला फटका होता। यावेळेला आपण पाहिलं चेंडू पडल्यानंतर ज्या पद्धतीने कंट्रोल स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूला खेळलं गेलं, म्हणजे टेक्निक आज टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतं। परंतु अजय सर, जेव्हा तुम्ही असे स्ट्रोक खेळता त्यावेळेला तुमचे प्रॉपरली सराव असतो आणि सराव केल्यानंतर हे स्ट्रोक मात्र आपल्याला अद्ययावत केले जातात, तेच मात्र या ठिकाणी केलं गेलं आणि चौकार आला पृथ्वीराजच्या एकंदरीत, आपण पाहत आहेत बॅटमधून चौकार, उनका ये पहला चौका, जबरदस्त इम्प्रोवाइजेशन कलाइयों का अच्छा उपयोग किया, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लिया, फुलर लेंथ, अच्छा ड्राइव लेकिन फॉलो थ्रू में उतनी ही शानदार फील्डिंग मुसद्दिक शेख द्वारा, क्वालिटी क्रिकेट दर्शक देखना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजर्स भी इस टूर्नामेंट में क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते हैं। धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है बिनार के इस खूबसूरत डीडी ग्राउंड पर, यह उद्घाटनीय मुकाबला इस समय आपके सामने है पालघर फाइटर्स और ठाणे स्ट्राइकर्स के बीच में। और इस बार स्वीप करने का प्रयास, हल्की सी आह जरूर निकली थी गेंदबाज के मुंह से लेकिन थोड़ा सा शायद एज लगा है, जी हाँ, बल्ले से आता हुआ ये सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस समय दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने में माहिर बल्लेबाज है पृथ्वीराज यादव, उसकी झलक पहले ही ओवर में देखने को मिली है, लेकिन मुसद्दिक एक लंबे ऊंचे कद के बेहतरीन गेंदबाज, ऑन द राइज स्मैश कर दिया है डाउन द ग्राउंड, शानदार छक्का, एब्सोल्युटली सुपर्ब स्ट्रोक बाय पृथ्वीराज, एका साइडला भावेश नाईक आणि एका साइडला पृथ्वीराज, जबरदस्त या ठिकाणी कणखर फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत। जी संघाला गरज होती ती यावेळेला मात्र या ठिकाणी गरज पूर्ण करताना पाहायला मिळत आहेत। ओवर पिच चेंडू जरूर होता परंतु बॅट फिरवण्याची जी शैली आपल्याला पाहायला मिळाली, टी फॉर टेम्परामेंट, टायमिंग, टेक्निक अँड टॅलेंट या 4 गोष्टींचा अवलंब करत असताना आपण पाहू शकलात, सरळ चेंडूला फेकून दिलं 6 धावन करता, 4 बॉलचा खेळ झाला आतापर्यंत, थ्रू द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक, विकेट के बाउंस को ट्रस्ट करते हुए फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालते हुए बहुत ही बेहतरीन बैट का फ्लरिश देखने को मिला, बैट का फॉलो थ्रू लाजवाब था और जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की। धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप का यह पहला सिक्सर ठाणे स्ट्राइकर्स के कैप्टन भावेश नाईक के बल्ले से, कप्तान बहुत ही अच्छे टच में नजर आते हुए, मात्र 4 गेंदे खेली है, 15 पर बैटिंग करते हुए 2 चौके जड़े हैं और 1 सिक्सर, टीम का स्कोर इस समय 22, 22 रन
एक विकेट के नुकसान पर। अच्छे बल्लेबाज बहुत जल्दी भाप लेते हैं विकेट को, मैदान को, और उनको बहुत अच्छी तरह से पता चलता है कि क्या एक अच्छा स्कोर हो सकता है यदि आप पहले बैटिंग करते हो। तो कहीं ना कहीं कप्तान भावेश समझ रहे हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक रन्स बनाने की आवश्यकता है अच्छे शॉट्स खेलते हुए। धीमी गेंद, इस बार स्लॉग स्विप किया है, एक और झन्नाटेदार शॉट, एक और सिक्सर। सुपर बॅटिंग बाय भावेश नाईक, एज अ कॅप्टन कसा असावा याचं प्रात्यक्षिकरण यावेळेला दाखवलं गेलं, आणि सुंदर पद्धतीने खेळत असताना आपण पाहू शकताय फॅब्युलस बॅटिंग भावेशने आतापर्यंत। जर आपण पाहिलं तर सिंगल पहिल्या बॉलवर घेतली, त्यानंतर दोन चौकार आले, दोन षटकार आले, आणि अतिशय सुंदर फटकेबाजी करत असताना संघाची धावसंख्या 28 वर जाऊन पोहोचली गेली। सुपर बॅटिंग। ग्रामीण क्रिकेट में दारावे के लिए खेलते है भावेश नाईक। नाईक वॉट अ स्ट्राइक, अद्भुत शॉट्स खेलते हुए, और इस बार बेहतर लेंथ थी, आगे रखा था, बाहरी किनारा लगा, लेकिन कोई नुकसान होने वाला नहीं है, स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। शॉट थर्ड मैन पर फील किया गया, तब तक एक रन काफी खर्चीले साबित हुए कप्तान मुसद्दिक शेख अपने पहले ओवर में। इस सिंगल के साथ पावर प्ले का खेल भी समाप्त होता हुआ, दो ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 29 रन एक विकेट के नुकसान पर ठाणे स्ट्राइकर्स। पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर मुसद्दिक शेखच्या 18 धावा यावेळेला पाहायला मिळत आहेत, म्हणजे दोन्ही गोलंदाज शिरगाव संघातून बिलॉंग करणारे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। चांगलं क्रिकेट त्यांनी सुद्धा खेळलंय, परंतु इथे एक चांगला प्लॅटफॉर्म जेव्हा मिळतो ना, त्यावेळेला तुम्हाला परफॉर्मन्स खूप महत्वाची भूमिका असते, आणि तो क्लास यावेळेला मात्र दिसला नाही। दोन षटकांमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने धावा आल्या, इथे मी कौतुक करेन भावेश नाईकचं, ऍज अ कॅप्टन म्हणून यावेळेला सुंदर फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। तर एका साईडला पृथ्वीराज यादवला आपण पाहू शकाल, त्याला सुरेख साथ देताना आपण पाहू शकतायत। ऍब्सोल्युटली सुपर बॅटिंग अँड गुड स्टार्ट। आक्रमक सोच नजर आई है बल्लेबाजों की, पहला विकेट दो पर गिरा था, तीसरी गेंद पर झटका लगा था जब बल्लेबाज आउट हुए थे भाया पाटिल, लेकिन उसका किसी तरीके का कोई दबाव बल्लेबाजों के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। भावेश नाईक कप्तान अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए, पृथ्वीराज यादव भी अपना नेचुरल गेम दिखा रहे हैं, जिस तरह से इम्प्रोवाइज करते हुए उन्होंने चौका जड़ा था, कमाल का स्ट्रोक था वो, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद को उन्होंने स्क्वेयर लेग की तरफ खेल दिया था फ्लिक करते हुए। सूरज खामकर, इस बार फुल टॉस है, स्विंग कर दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर निकल गए थे और लेंथ में चूक गए इस बार गेंदबाज सूरज खामकर। अब गेंदबाजों की खैर नहीं है, लाइन और लेंथ को लेकर आप जरा भी चूक नहीं सकते हो। हालांकि लो फुल टॉस जरूर थी, लेकिन बहुत पहले उसको भाप लिया था, लाइन को भी भाप लिया था, और उसके साथ टाइमिंग गजब की। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर भी तैनात किया गया है, पावर प्ले खत्म हो चुका है, अब फील्डिंग को भी खोल दिया गया है पालघर फाइटर्स के कैप्टन द्वारा, लेकिन भावेश नाईक को रोकना इस समय काफी मुश्किल नजर आ रहा है। देखते ही देखते बातों ही बातों में 28 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 7 गेंदों का सामना किया है ठाणे स्ट्राइकर्स का स्कोर अब 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दूसरा मुकाबला ग्रुप ए का, और दो बेहतरीन टीमों के बीच में मुकाबला रहेगा, राइजिंग भिवंडी और पुणे पैंथर्स के बीच में। आगे रखी हुई गेंद, इस बार छकाया है, गेंद विकेट कीपर के पैर से टकराई थी और फिर हवा में चली गई थी, गेंदबाज ने कैच जरूर किया लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था। किस 8व्या बॉल नंतर जर आपण पाहिलं तर जवळजवळ आपण पाहू शकतो 14वा बॉल डॉट आला, म्हणजे दोन फक्त डॉट आलेत, बाकीचे जर आपण पाहिलं तर सिंगल डबलला महत्व दिलंय, षटकार चौकारांची बौछार केलेली आहे। गुड बॅटिंग। पहिला ओव्हर हालांकि शुरुआत अच्छी की थी सूरज खामकर ने, ओ आपकी बार बीमर, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, हाथ से छिटकती हुई गेंद, ये जरूर है कि जानबूझकर तो उन्होंने ये नहीं किया होगा, लेकिन नियमों के अनुसार यदि ओवर वेस्ट है फुल टॉस है तो अंपायर जरूर नो बॉल घोषित करते, और ये तो बहुत ज्यादा ऊपर थी लगभग कंधे की तरफ, अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। विकेट की तलाश है इस समय, ब्रेक थ्रू की जरूरत है पालघर फाइटर्स को, थोड़ा अलग प्रकार से ऐसे लगता है कि सोचना होगा प्रमोद गेंदबाजों को, तब जाकर विकेट मिलेगा। अब तो सुनहरा अवसर भावेश नाईक के पास, पहली आग लगी हुई है उसमें और तेल डालने का काम किया है गेंदबाज सूरज खामकर ने। फ्री हिट गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट,
ओ फुल टॉस, लेकिन इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, 6 रन लिखे हुए थे गेंद पर, एक ही रन मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर, एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर की तरफ अग्रेसर है इस उद्घाटनीय मैच में ठाणे स्ट्राइकर्स टीम। नक्की स्थानिक स्ट्रायकर्स टीम आतापर्यंत खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ साकारला गेलाय। दोन्ही फलंदाज जे आहेत ते समजूतदाराचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं आणि जबाबदारी यावेळेला मात्र स्वीकारली गेली। मॅच सुरू होने से पहले हमने पॅकर्स का जिक्र किया था। टीम ओनर जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है इस तरह की प्रतियोगिताओं में। पालघर फाइटर्स के ओनर है अमर पारुलेकर, अनिकेत राउत, मोतीलाल शाह, निकित पागदरे मैनेजर भी है। और जहाँ तक ठाणे स्ट्राइकर्स का सवाल है, मौलिक किरण इलेवन वाघबिल शिरवने, ओनर है रवि घरत और किरण मेहर, मैनेजर है इस टीम के सचिन कदम और प्रेम शेल के। दर्शनीय स्ट्रोक ड्राइव किया है गेंद को फुल पर लेकर, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। बहुत ही दिलकश ड्राइव था ये, एक ही रन हालांकि मिला है, लेकिन पूरा आत्मविश्वास झलकता हुआ इस स्ट्रोक में बल्लेबाज का। पृथ्वीराज यादव के बैट से ये सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 20 रन खर्च किए हैं अपने स्पेल में सूरज खामकर ने, 2 गेंदे उनके स्पेल में शेष है। गति में परिवर्तन, आगे रखी हुई गेंद, इस बार बैट्समैन को छकाया जरूर लेकिन विकेट कीपर से भी गेंद रुकी नहीं। 22 का इशारा करते हुए अंपायर, मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय नीरज राणावत और दीपक बोराडे स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में, ये दो ऑनफील्ड अंपायर से इस ओपनिंग मैच के लिए। युवा जोश मैदान में, हाफ वॉली में लेकर ड्राइव किया गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचे जरूर मुसद्दीक, लेकिन कैच नहीं कर पाए, गेंद हाथ से चिटकी और सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। मौका क्रिएट किया गया था, मुश्किल अवसर जरूर था प्रमोद, लेकिन आपको मैच जीतना है तो इस तरह के कैचेस भी लपकने होंगे। निश्चित स्वरूपात हा झेल होऊ शकला असता, परंतु या ठिकाणी यस पंच ड्रिंक्स ब्रेक, यावेळेला 3 षटकं झालेले आहेत, 3 षटकांमध्ये 45 धावा 15 सरासरीने आतापर्यंत खेळी करतायत आणि खूप सुंदर फलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहू शकाल। 45 रन्स 15 हा करंट रन रेट अगदी योग्य पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतोय। सुंदर फटका तर खेळला गेला होता, परंतु तदनंतर जर आपण पाहिलं तर यावेळेला कॅरी करायला हवा होता चेंडू, कारण हाईटचा परिपूर्ण फायदा उचलायला हवा होता मुसद्दीक शेखने, परंतु तसं काही घडलं नाही आणि इथे मात्र षटकार मिळाला आणि षटकार आल्यानंतर संघाची धावसंख्या 45 घरामध्ये पोहोचली गेली। म्हणजेच ही तुम्हाला आत्ता इथे संधी आहे, परंतु या संधीचं सोनं करणं फार गरजेची गोष्ट पाहायला मिळेल। बिग बॅश आपण पाहताय धमाका आणि खूप चांगला खेळ आतापर्यंत राहिलाय दोन्ही बॅटरचं। मी या ठिकाणी कौतुक करेन भाविश नाईक जे कॅप्टनशिप करतोय आणि कॅप्टन आहे आणि लीड करतो या संघाला, कारण मी जर चांगला खेळलो तर येणारे सहकारी सुद्धा चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करू शकतील आणि खऱ्या अर्थानं जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली अजय सर, कारण एका साईडला पृथ्वीराजचं मी कौतुक करेन, तो सिंगल डबलला महत्व देतोय, एखादा मोठा फटका सुद्धा त्याच्या बॅटमधून येत आहेत, म्हणजे सेन्सिबल क्रिकेट कसं खेळावं हे दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी जाणताना पाहायला मिळत आहेत। फॅबुलस बॅटिंग और गेंदबाजी में आप देखोगे तो जरूर थोड़ी बहुत गलतियां हुई है, मुझे लगता है कि लेंथ को लेकर कुछ फुल टॉस गेंदे, कुछ ओवर पिच गेंदे, खासतौर पर ओवर पिच गेंदे मिली है, उनका अच्छा फायदा उठाया है, लेकिन कुछ अच्छी गेंदों पर भी जबरदस्त स्ट्रोक्स खेले गए हैं। जो सामने छक्का जड़ा था भावेश नाइक ने, वो कमाल का स्ट्रोक था, वो गेंद बुरी नहीं थी लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा खेला गया था। 25 स्थिति में है ठाणे स्ट्राइकर्स टीम। ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त होता हुआ 3 ओवर के पश्चात स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, पुणे पैंथर्स बनाम राइजिंग भिवंडी। यशवंत भाऊ पासांगे, बंटी पाटिल एंड शिरसाट स्पोर्ट्स पुणे अर्थात पुणे पैंथर्स, उनके विरुद्ध टीम खेलेगी पायनियर स्पोर्ट्स भिवंडी अर्थात राइजिंग भिवंडी। राइजिंग भिवंडी टीम के ओनर है अल्ताफ बाली, खोनी ग्राम पंचायत के विद्यमान सरपंच, भविष पवार मेंटोर है और साथ में बिलाल शेख। जहां तक पुणे पैंथर्स टीम का सवाल है,
यशवंत भाऊ पाचांगे, बंटी पाटील, अमोल शिरसाट अँड सचिन खांडवे. नेवर की शुरुआत, युवराज डुकले. अच्छी गेंद, फुलर लेन, थोड़ा सा एंगल बाहर की तरफ था. बायत के गेंदबाज है, किनारा हासिल किया था बल्ले का, लेकिन बल्लेबाज थोड़े किस्मत वाले भी है. दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बैट का किनारा लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के काफ़ी दूर से निकली है. कोई स्लिप भी मौजूद नहीं है. जो खिलाड़ी है सर्कल के अंदर वो शॉट थर्डमैन की दिशा में, एक शॉट फाइन लेग मौजूद है. पहली गेंद पर सिंगल आया है, रन संख्या 46. बैकआउट ऑफ द पॉइंट एक फील्डर रखा गया है वाइडिश गली, और एक पॉइंट है. आगे निकलकर सीधे बल्ले से खूबसूरत ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग. थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन और दो रन पूरे कर लिए. जबरदस्त तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में. प्रमोद कोई झिझक नहीं थी दूसरे रन को लेकर, तय कर ही लिया था उन्होंने कि दूसरा रन लेना ही है. कॉल बहुत जल्दी दिया गया था. निश्चित स्वरूपात या वेळेला ही जोडी आहे ती डोकेदुखी या ठिकाणी ठरताना पाहायला मिळते. विकेटच्या शोधामध्ये गोलंदाज आहेत, परंतु विकेट काही मिळत नाही आहे, आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत असताना हे दोन्ही बॅटर पाहायला मिळतात, भावेश आणि पृथ्वीराज. या दोन्ही फलंदाजांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच. रिवर्स खेलना चाहते थे, इस बार अपील हुई है और अंपायर ने उसको स्वीकार कर लिया है. लेग बिफोर विकेट, ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, उसी के लिए लाया गया था युवराज ढुकले को, और युवराज ने सफलता दिलाई. 48 पर दूसरा झटका. खूप चांगले गोलंदाज आहे युवराज ढुकले. यंदाच्या हंगामामध्ये मॅन इन फॉर्म असलेला खेळाडू पाहायला मिळतो. अचूक टप्प्यावर भेदक मारा करणारा हा गोलंदाज, लेंथ अँड लाईनचा राजा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, तिळसे वाडा या ठिकाणाहून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. जी महत्वपूर्ण सफलता हवी होती ती मात्र या ठिकाणी मिळाली. पृथ्वीराज 15 धावांचे खेळी करून मात्र बाद झाला. रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि पंचांच्या मनात कोणताही संदेह नाही आहे. यावेळेला मात्र पिचिंग पाहिली आणि लगेच पंचांचं बोट उंचावलं गेलं. लेग बिफोर विकेट पायचित पकडला गेला. इथे फलंदाज मात्र दुसरा धक्का मिळतोय या ठिकाणी ठाणे स्ट्रायकर्स या संघाला. खूप चांगला कमबॅक केलाय मात्र यावेळेला युवराज ढुकलेच्या माध्यमातून. गुड बॉलिंग, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रही दूसरे विकेट के लिए. 46 रनों की पार्टनरशिप और उसमें 15 रनों का अच्छा योगदान पृथ्वीराज यादव का रहा. एक चौका जड़ा उन्होंने और एक सिक्सर, कुल मिलाकर 8 गेंदों का सामना किया. तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी रन बनाए उन्होंने. नए बल्लेबाज अब क्रीज पर नंबर 4 पर ओमकार केनी. दिवा कोलीवाड़ा के खिलाड़ी है ओमकार केनी, और पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में भी रहे हैं, खासतौर पर भिवंडी में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ट्रॉफी में उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा था. लेकिन ये अलग फॉर्मेट है, ये ऑल इंडिया लेवल पर ही टूर्नामेंट आप देख रहे हो. इस टूर्नामेंट में यूपी की भी टीम खेलने वाली है, यूपी योद्धाज. तो अलग फॉर्मेट है, देखना है किस तरह से खेलते. यॉर्कर की कोशिश, हल्के हाथों से टर्न कर दिया है वाइड ऑफ डीप मिड विकेट. फील्डर तेजी से गेंद पर आए हैं, अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट, सिंगल से अपना खाता खोलते हुए ओमकार केनी. बायत के बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है. भवेश नाइक का रोल यहाँ से और ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ ठाणे स्ट्राइकर्स टीम के लिए, क्योंकि स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन मिला है उनको. फ्लाइंग स्टार्ट उन्होंने दिया है अपनी टीम को. 30 पर बैटिंग करते हुए मात्र 12 गेंदों का सामना किया है. तो ऐसे में सेट बल्लेबाज है भवेश नाइक. यदि टीम को और बेहतर स्थिति में पहुँचना है तो उनका और कुछ देर तक क्रीज पर टिकना बहुत ही ज़रूरी. युवराज का ओवर अभी तक काफ़ी अच्छा घटा है. इस बार इनसाइड एज, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में. सिर्फ एक रन मिलेगा. जबरदस्त गेंदबाजी, किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने के लिए जगह नहीं दी है. अच्छी लेंथ पर रख रहे हैं, ज्यादातर फुलर लेंथ की गेंदें उन्होंने डाली है. रन संख्या 50, 2 विकेटों के नुकसान पर. मात्र 5 रन पहली 5 गेंदों पर युवराज ढुकले ने खर्च किए हैं, लेकिन इस बार गलती कर बैठे. फुल टॉस, तान दिया आसमान में, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर. ओमकार केनी के बल्ले से खूबसूरत छक्का. बहुत अच्छा ओवर घट रहा था प्रमोद, लेकिन ये होता है कई बार, अक्सर कहा भी जाता है कि एक गेंदबाज को ओवर की पहली और अंतिम गेंद पर कुछ ज्यादा ही सतर्क रहना चाहिए. लेकिन यहां पर शायद वो यॉर्कर डालना चाहते थे. फुल टॉस बनी, फ्रेंडली फुल टॉस, और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको उठाकर खेला ओमकार केनी ने. सिक्सर के साथ ओवर की समाप्ति. 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. ठाणे स्ट्राइकर्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए पालघर फाइटर्स के विरुद्ध.
खूप चांगली फलंदाजी यावेळेला ओमकार किनीच्या बॅटमधून आलेला फुलटॉस बॉलवर जैसी गेंद वैसी नसीहत आपल्याला पाहायला मिळाली आणि सरळ चेंडूला मात्र भिरकावून दिलं 6 धावांकरता आणि इथून धावांची गती जर आपण पाहिली तर यावेळेला वाढली गेली 56 वर जाऊन पोहोचली गेली 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 4 षटकांचा खेळ झालाय म्हणजे 4 षटकांमध्ये 14 करंट रनरेटने आतापर्यंत खेळत असताना पाहायला मिळत आहेत. भावेश नाईकचा विचार केला तर 13 बॉलमध्ये 31 धावांची एक बहारदार खेळी आतापर्यंत तो मैदानात पाहायला मिळतो आणि खऱ्या अर्थानं अजय गरत सर आपण पाहिलं तर खेळपट्टी त्याच्या प्रेमात पडलेली आहे. परंतु इथे मी जयेश युवराज डुकलेचं मी या ठिकाणी कौतुक करेन की ज्याने फक्त या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर पहिले 5 बॉल व्यवस्थित हाताळले गेले होते आणि शेवटच्या बॉलवर जर आपण पाहिला तर चेंडू हातातून सुटला आणि फुलटॉस आला आणि फुलटॉस बॉलला ओमकार किनीने मात्र या ठिकाणी आपल्याला कशासाठी पाठवलंय त्याचं मात्र ताजं उदाहरण दिलं आणि मोहर उमटवली 6 धावांची गुड शॉट. गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि विपक्षी टीम के बल्लेबाज बहुत धाकड़ बल्लेबाज नजर आ रहे हैं. अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छी पारी खेलते हुए खासतौर पर कप्तान भावेश नाईक कप्तानी पारी खेलते हुए अच्छे शॉट्स खेले. उन्होंने गेंद के मेरिट पर शॉट्स लगाए हैं. ओमकार किनी की शुरुआत भी बढ़िया है जो 2 गेंदे के लिए दोनों को मिडल किया उन्होंने. पहले पर सिंगल, उसके बाद फुल टॉस पर छक्का जड़ा. नेवर लेकर वीरेंद्र बाबरे फुल टॉस स्वीप कर दिया है खाली क्षेत्र में. बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन. केवल दिशा दिखानी थी, फुल टॉस भी थी और थोड़ी लेग स्टंप की तरफ झुक रही थी गेंद, उसका पूरा फायदा उठाते हुए भावेश नाईक. नक्कीच, मी तर म्हणेन यावेळेला शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ असा स्ट्रोक आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. फक्त पॉवर जनरेट केली नव्हती, फक्त चेंडूला दिशा दिली आणि सरळ चेंडू निघून जातोय 4 धावांकरता. गुड शॉट, चौकार येतोय. संघाची धावसंख्या 60 वर 2 ठाणे स्ट्रायकर्स. अभी भी 11 गेंदे पारी में शेष है. क्या लगता है कि कौन सा आंकड़ा इस समय बल्लेबाजों के जहन में होगा? निश्चित स्वरूपात इथून जर आपण पाहिलं 11 बॉलमध्ये मॅक्झिमम 25 धावा और ऐसे खेलेंगे तो और अधिक बनेंगे. कमाल का स्ट्रोक इस बार थ्रू द लाइन नसीदे वीआईपी डाइस पर डाउन द ग्राउंड 6 रन. भावेश नाईक ऑन फायर विथ ऑल सिलेंडर्स. लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और ये हेलीकॉप्टर उड़ाया उन्होंने ऑन द राइज. खूप चांगला फटका होता ज्यावेळेला परिपूर्ण आपण पाहिलं तर सही खिलाडी वही होता है जो टाइमिंग के साथ प्रॉपरली क्रिकेट खेलता है आणि त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर यावेळेला भावेश नाईकने जो खेळ केलेला आहे 15 बॉलमध्ये 41 धावा सुपर बॅटिंग करत असताना आपण पाहू शकतायत. रिलॅक्सेबल फलंदाजी करताना आपण पाहू शकतायत. कोणत्याही प्रकारची हयगय करत नाही, चेंडूला परफेक्ट रीड करतोय, त्या मिरिटला बरोबर ओळखतोय आणि चेंडूच्या सरळ रेषेमध्ये जेव्हा तुम्ही खेळताना त्यावेळेला अगदी मात्र तुमचे स्ट्रोक हे देखण्यालायक आपल्याला पाहायला मिळतात आणि तेच मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळालं. सुपर बॅटिंग करत असताना आपण पाहू शकला सरळ चेंडूला फेकून दिला स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. मॅग्निफिसेंट शॉट. इसी गेंद को वो कवर्स में भी खेलते हैं और इसी गेंद को उन्होंने सामने भी खेला है तो एक गेंद पर 2 स्ट्रोक्स उनके पास जरूर मौजूद रहते हैं. ये देखिए इस बार पुल पर लेकर ड्राइव किया है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर तैनात है वहां पर. इस बार केवल 1 रन मिलेगा. पहले ही मैच में शायद अर्धशतकीय पारी देखने को मिल सकती है कप्तान भावेश नाईक द्वारा. मौका है उनके पास, 42 पर पहुंच चुके हैं. टीम का स्कोर अब 67 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी 9 गेंदे पारी में शेष. वीरेंद्र बाबरे 7 पाटीवरून बिलॉंग करतोय हा खेळाडू पालघरमधील आणि यंदाच्या हंगामामध्ये मॅन इन फॉर्म म्हणून आपण पाहताय. परंतु इथे गोलंदाजी करताना आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 11 धावा खर्च केले गेलेत म्हणजेच लेंथ अँड लाईन आतापर्यंत सूर त्याला गवसलेली नाहीये. पाहायचं वीरेंद्र बाबरे कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल या 3 चेंडूवर. अगली गेंद राउंड द विकेट ड्राइव किया इस बार, गेंद हवा में है, फील्डर से थोड़ा सा दूर खेलने में कामयाब और पूरी तरह से कैरी भी नहीं हुई फील्डर तक. 1 ही रन मिलेगा. फील्डर्स को हालांकि बहुत अधिक मौके भी नहीं मिले हैं लेकिन एक जो मौका मिला था कैप्टन मुसद्दिक को तो वहां पर गलती हुई. बाउंड्री लाइन पर कैच ड्रॉप हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर भी चली गई थी. उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है भावेश नाईक ने. एक और हेलीकॉप्टर उड़ाया है आपकी बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक और दन दनाता हुआ छक्का. ब्रिलियंट बॅटिंग बाय भावेश नाईक. कॅप्टन कसा असावा
त्याचं यावेळेला ताजं उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण भावितच्या मनासारखी फलंदाजी आली जेव्हा टॉस हरल्यानंतर त्याला आनंद मिळाला की आम्हाला फलंदाजी करायची होती आणि त्याचा परिपूर्ण मनमुराद आनंद घेत असताना पाहायला मिळतोय. गोलंदाजांचा खरपूस समाचार घेतो आणि खेळपट्टी अक्षरशः त्याच्या प्रेमात पडताना पाहायला मिळतंय. दोन हेलिकॉप्टर शॉट आपण पाहिले, एक स्ट्रेट ड्राईव्ह आणि एका साईडला लॉंग ऑफ क्लिअर करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुपर बॅटिंग करत असताना प्रेक्षकांचे मने जिंकणारा हा फटका आपण पाहू शकलात. संघाची धावसंख्या 48 एकंदरीत इंडिव्हिज्युअल त्याची पाहायला मिळतोय आणि 74 धावा संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. काय अजय सर सुंदर फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत आणि नेत्रदीपक फलंदाजी केली जाते. हा जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, उनके कलाइयों में काफी ताकत है, कलाइयों का जादू दिखा रहे हैं. गेंद के मेरिट पर खासतौर पर जो शॉट्स खेले उन्होंने ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ, ऑफ साइड तो काफी मजबूत पक्ष नजर आ रहा है जिस तरह से वो शॉट्स खेल रहे हैं. कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ डाउन द ग्राउंड बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की है. दर्शकों के दिल जीतते हुए पहले ही मैच में ठाणे स्ट्राइकर्स टीम के कैप्टन भावेश नाइक 48 पर पहुंच चुके हैं, अर्धशतक डिजर्व करते हैं. गति में परिवर्तन, टॉप एज, फील्डर गेंद के नीचे और नहीं बन पाएगा अर्धशतक इस मैच में भावेश नाइक का. अच्छा कैच, शॉर्ट फाइन लेग से खिलाड़ी आए थे गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की उन्होंने, बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हुए वीरेंद्र बाबरे. खूप चांगला झेल प्रथम ने मात्र यावेळेला टिपला. साईड अप्रतिम आपल्याला स्ट्रॉंग पाहायला मिळाली, हातांची उंज चांगली होती आणि त्याचप्रमाणे जजमेंट केलं आणि प्रथमने मात्र हा झेल टिपत एक चांगल्या खेळीचा अंत या ठिकाणी पाहायला मिळाला भावेश नाईकचा. एक महत्वाची सूचना सगळ्यांनी लक्ष द्या, माझ्यामध्ये पहिलीच अशी क्रीडा स्पर्धा आतापर्यंत असेल. स्पर्धा अनाऊन्स झाली प्राईज माहीत नव्हतं, ड्रॉ पडले तरी प्राईज माहीत नव्हतं, मॅच सुरू झाली तरी प्राईज नव्हतं. म्हणजे सगळ्या संघ मालकांनी 70-70 वर विश्वास ठेवून मात्र प्रवेश केला, परंतु प्राइस कुणालाच माहीत नव्हतं. परंतु आता प्राइस सांगितलं देखील तेवढंच गरजेचं आहे. या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रथम क्रमांक हा 3 लाख असेल आणि द्वितीय क्रमांक 1.5 लाखाचा पुरस्कार असेल आणि 70-70 परंपरा कायम ठेवली आहे. एंट्री फी पेक्षा प्राइस जास्त देण्याची परंपरा इकडे सुद्धा कायम ठेवलेली आहे आणि येणाऱ्या काही वैयक्तिक पारितोषिकांसाठी देखील आकर्षक भव्य अशी पारितोषिक सुद्धा असणार आहेत. 3 लाख पहिला, 1.5 लाख दुसरा पुरस्कार, याची नोंद सर्वांनी घ्यायची आहे. ओवर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू सो मच चंदूजी. 3 लाख की इनामी राशी विजेता टीम को दी जाएगी और उपविजेता के लिए 1.5 लाख रुपए, क्या बात है. खिलाड़ी यहां पर मालामाल भी होने वाले है, इसमें कोई शंका नहीं है. बहरहाल रनों के मामले में मालामाल है इस मैच में. ठाणे स्ट्राइकर्स टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर लेकर युवराज, पटकी हुई गेंद थी, काफी दिशाहीन जाने दिया उसको, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन, 6 गेंदें पारी में शेष है. विक्की मुंबईकर नए बल्लेबाज आए हैं. नब्बे तक जरूर जाना चाहेंगे बल्लेबाज. दो बड़े हिट्स आते हैं आखिरी ओवर में तो जरूर 90 को क्रॉस भी कर सकते हैं. कमाल का स्ट्रोक, पिकअप, स्लॉग स्वीप, 6 रन मिलेंगे. ओंकारच्या बॅटमधून अप्रतिम टायमिंग वर विश्वास ठेवणारा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉडमॅनचा काय उपयोग करत असताना आपण पाहू शकाल. कलात्मक फलंदाजी कशी करावी हे ओंकार किनीच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जसं चेंडू यावेळेला पीच झाला तसंच बॅट फिरवण्याची शैली अफलातून पाहायला मिळाली आणि एक सुंदर यावेळेला स्ट्रोक आपण पाहू शकतायत. ग्लोरियस शॉट मी तर म्हणेन. बायत के गेंदबाज है और बायत के बल्लेबाज दोनों भी इस समय क्रीज पर. बिल्कुल स्लॉट में गिरी हुई गेंद थी, तारा मंडल में भेज दिया गेंद को, बल्ले के बीचों बीच लेकर उठा के खेला है. काफी खतरनाक नजर आते हुए ओमकार किनी, 2 छक्के उनके बैट से निकले हैं और मात्र 4 गेंदों का सामना किया अभी तक. 14 पर बैटिंग करते हुए स्कोर उछलता हुआ 81 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. युवराज डुकले बिनार विलेज एंड से, ये बेहतर है इस बार. काफी फुल अच्छे पेस के साथ ड्राइव किया वी में. ओ थोड़ा सा फंबल, हालांकि अच्छी रिकवरी मेक श्योर किया फील्डर ने कि दूसरा रन ना ले बल्लेबाज. 1 रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. आप देख रहे हैं इस समय धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप भिवंडी में. यह टूर्नामेंट भिनार के DD ग्राउंड पर, खूबसूरत मैदान, खूबसूरत टूर्नामेंट और युवा जोश पूरी तरह से मैदान में. अंडर 24 खिलाड़ी खेलते हुए एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हेमंत बनियाल साहब और सुरेश राणा साहब.
ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स की ये पेशकश है। ऑफसाइड में तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर, दो बाउंड्री पर नजर आते हुए। हेलीकॉप्टर उड़ाया लेकिन लीडिंग एज, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर आए सामने, बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच और बैट्समैन आउट। तन्मय गेंद के नीचे पहुंचे और कमाल कर दिया तन्मय ने। सुंदर झेल यावेला तन्मय केनीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला। रनिंग मध्ये झेल घेणं फार डिफिकल्ट असतं अशा वेळेला, परंतु इथे आय कोऑर्डिनेशन अप्रतिम पाहायला मिळालं आणि सुंदर झेल टिपत मात्र या ठिकाणी फलंदाजाला बाद केलं। फलंदाज या ठिकाणी तंबूच्या आसऱ्याला परतत असताना आपण पाहू शकाल युवराजने केलेला कमबॅक त्याच्या संघासाठी फायदेशीर यावेळेला ठरत असताना पाहायला मिळतोय। पहिला चेंडू व्यतिरिक्त जर आपण पाहिला तर त्यानंतर षटकाराला सिंगल मिळाली आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर विकेट सुद्धा मिळते, म्हणजे युवराजने केलेला कमबॅक त्याच्या संघासाठी फायदेशीर ठरताना पाहायला मिळतोय। इट इज नो नेवर लेट टू मेंड, सुधारणेला कधीच उशीर होत नसतो आणि त्याचंच प्रात्यक्षिकरण युवराज डुकले ब्रँड ऑफ तेसे वाडा। ये दूसरी सफलता हासिल की है युवराज डुकले ने, अपने 1.3 ओवर्स में उन्होंने 19 रन खर्च किए हैं। हालांकि गेंदबाजी हम देखें तो सभी गेंदबाज खर्चीले साबित हुए हैं। सूरज खामकर ने दो ओवर में 27 रन दिए, एक विकेट उनके खाते में। मुसद्दीक कप्तान का ओवर तो बहुत ही खर्चीला रहा था, 18 रन एक ओवर में उन्होंने खर्च किए। वीरेंद्र बाबरे ने भी 18 रन खर्च किए अपने ओवर में, हालांकि एक विकेट उनको मिला जरूर। किफायती गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है। नए बल्लेबाज जुगेश यादव विक्की मुंबई कर खाता नहीं खोल पाए। हालांकि जिस लेंथ पर गेंद थी मुझे लगता है कि वो नॉर्मल ड्राइव भी लगा सकते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया। एमएस धोनी ने जब हेलीकॉप्टर लाया था तो वो कहीं ना कहीं यॉर्कर लेंथ गेंदों का एक मुंहतोड़ जवाब उन्होंने ढूंढा था। गति परिवर्तन, बॉटम एज, जोखिम भरा रन लेने की कोशिश, वहां पर अपील जरूर हुई है लेकिन पहुंच गए मेरे ख्याल से। जी हाँ, एक रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अब 83। गेंदबाज ने कोशिश जरूर की थी वहां पर रन आउट करने की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब दो गेंदे पारी में शेष है। अच्छा टोटल 18 स्ट्राइकर्स टीम ने खड़ा कर लिया है। ओमकार केनी के पास स्ट्राइक और ये एक थोड़ा सा प्लस इस समय माना जा सकता है 18 स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं। लो फुल टॉस को उछाला है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, दूर गगन की छाव में भेज दिया गेंद को, 6 रन। जबरदस्त या वाला फटका आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये। चेंडू रिलीज करत असताना पीच झाल्यानंतर थोडासा लो फुलटा चेंडू होता, डिफिकल्ट असतं अशा वेळेला फलंदाजासाठी खेळण्यासाठी, परंतु या ठिकाणी परिपक्वतेचा फलंदाज म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतो। बॉर्डरमॅनचा उपयोग केला, मनगडाचा वापर करत चेंडूला भिरकावून दिलं गेलं आणि बॅकवर्ड स्क्युअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये या वेळेला निर्णायक क्षणाला निर्णायक षटकार येत असताना पाहायला मिळतो। ओंकार केनीच्या बॅटमधून फॅबुलस बॅटिंग। ऐसा कई बार हुआ है इस पारी में गेंदबाजों ने यॉर्कर की कोशिश की है लेकिन वो फुल टॉस में गेंद तब्दील हुई है या फिर ओवर पिच बनी है गेंद, चौकर में यह समस्या होती है। सटीकता आपके पास नहीं है तो फिर मार पड़ती है। आखिरी गेंद, सामना करेंगे ओमकार केनी। इस बार धीमी गति से डाली हुई गेंद, हालांकि समझ तो लिया था लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए। गेंद विकेट कीपर के पास, अंतिम गेंद पर रन मिलने वाला नहीं है। बैट्समैन रन आउट होते हुए नॉन स्ट्राइकर सेन पर, तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी रही है ठाणे स्ट्राइकर्स की। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी की, टॉस हारने का कोई मलाल नहीं रहेगा ठाणे स्ट्राइकर्स के कैप्टन को। कुल रन संख्या 89, 89 रन और 90 रनों की चुनौती, यह है बैटिंग कार्ड ठाणे स्ट्राइकर्स का। भाया पाटिल और भावेश नाइक आए थे ओपन करने के लिए। भाया जल्दी आउट हुए पहले ओवर में, एक रन बनाकर चलता किया था सूरज खामकर ने, लेकिन उसके बाद कप्तान ने कप्तानी पारी खेली 18 गेंदों में 48 रन। पृथ्वीराज यादव का अच्छा साथ मिला उनको, 8 गेंदों में 15 रन और अच्छा फिनिशिंग टच दिया पारी को ओमकार केनी ने, 21 रन बनाकर नाबाद रहे। बॉलिंग एनालिसिस, गेंदबाजों ने थोड़ा सा निराश किया है पालघर फाइटर्स की ओर से। सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं, 18-13 इस तरह के उनके इकोनॉमी रेट रहे हैं। 89/4 यह है फाइनल स्कोर इस पहले मैच में ठाणे स्ट्राइकर्स का। 90 रनों की चुनौती है पालघर फाइटर्स के सामने। छत्तीस गेंदों में 90 रन बनाने होंगे पालघर फाइटर्स को इस उद्घाटनीय मैच को जीतने के लिए इस धमाका बिग बैश अंडर-24 चैंपियनशिप में। अगला मैच पुणे पैंथर्स बनाम राइजिंग भिवंडी। धन्यवाद।
महत्त्वाची मॅच मात्र यानंतर देखील असणार आहे. आपल्याबरोबर जुडले जात आहेत नवी मुंबईचे ख्यातनाम क्रिकेटचे चाहते किरण मेहर, त्याचबरोबर आपल्याबरोबर जुडले जात आहेत जाई संघाचे पुरस्कर्ते आणि पालघर जिल्ह्यातील एक ख्यातनाम क्रिकेट प्रेमी व्यक्तिमत्व मोतीलालजी शाह जुडले गेलेले आहेत आणि या दोघांच्या उपस्थितीमध्ये टॉस केला जातो आहे. B1D रायझिंग स्टार आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर पुणे पॅन्थर्स, एका बाजूला जर पाहिलं तर प्रितेश पाटील आपल्याला पाहायला मिळतील, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर शुभम शेळके आपल्याला पाहायला मिळतील. एक भिवंडीचे खेळाडू आहेत आणि एक पुण्याचे खेळाडू आहेत, यांच्यामध्ये टॉस केला जाणार आहे. किरणजी मेहर यांना विनंती असणार आहे आपल्याला या मॅचमध्ये टॉस करायचा आहे, महत्वाची मॅच आहे. छापा कॉल केलाय शुभम शेळके यांनी, छापा चालाय. तर शुभम, टॉस जिंकलाय, टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? 24 वर्षाखालील खेळाडूंसाठी एक पर्वणी, अखिल भारतीय स्तरावरील आणि एक चांगल्या दर्जेदार मैदानावर स्पर्धा खेळली जाते, किती उत्कंठा तुम्हाला असणार आहे आणि कशा प्रकारे तुम्हाला तुमच्या मॅनेजर आहेत मालक आहेत त्यांनी मोटिवेट केलं आणि त्याचबरोबरीने निर्णय देखील काय असेल? सर, पहिल्यांदा आम्ही फिल्डिंग करू आणि काय अमोलजी शिरसाट साहेब आहेत आणि यशवंत भाऊ पाचंगे आहेत, त्यांनी आम्हाला खेळण्याची संधी दिली. बंटी पाटील सर आहेत, त्यांच्या मनापासून धन्यवाद मानतो. आणि कशा, किती उत्कंठा तुम्हाला देखील, कारण खुल्या गटातील क्रिकेट गाजवत आहेत परंतु अंडर 24 24 वर्षाखालील खेळाडूंसाठी देखील हा प्लॅटफॉर्म निर्माण केलाय. उत्कंठा तर खूप सारे आहे सर, बेस देण्याचा प्रयत्न करू. बेस देण्याचा प्रयत्न करणार आहात, खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला देखील असणार आहेत. प्रितेश, फील्ड क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, पहिली बॅटिंग करायची आहे, कॅप्टन होत आहेत आज भिवंडीच्या टीमचे, कसं वाटतंय आणि 24 वर्षाखालील खेळाडूंसाठी स्पर्धा आली आहे त्याबद्दल? खूप छान आयोजन आणि आम्हाला इथं खेळायला संधी दिल्याबद्दल तारीपर्यंत आभार आहे. आणि बॅटिंग कराय तर आम्ही आमचा नॅचरल गेम खेळू 100% देण्याचा प्रयत्न करू. कशी टीम फायनल मारणार? नक्की प्रयत्न तर पूर्ण करू. फायनल मारण्याचा प्रयत्न असणार आहे. शुभम म्हणतात आमचाही तोच प्रयत्न असणार आहे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा, टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे टीम पुणेने आणि भिवंडीला बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय. पहिली मॅच सुरू आहे, दुसऱ्या डावाकडे काही क्षणातच जाऊया. पाहत राहा 70-70 स्पोर्ट्स. धन्यवाद. थँक यू सो मच चंद्रकांत शेटे. तो अब रंचेज की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है. ये पहला मैच है धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप के अंतर्गत पालघर फाइटर्स और ठाणे स्ट्राइकर्स के बीच में. ठाणे स्ट्राइकर्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, कप्तान भावेश के 48 रनों की बदौलत 89 रन बनाए हैं 6 ओवर्स में और ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से 90 रनों की चुनौती है 6 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए पालघर फाइटर्स के सामने. खेल की शुरुआत होने जा रही है और अब यहाँ से आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे मेरे दोनों साथी कॉमेंटेटर्स प्रमोद शेडगे. तो प्रमोद शेडगे आपको आंखों दिखा हाल सुनाएंगे और जरूर मैं उनका साथ दूंगा. थैंक यू वेरी मच अजय जगरत यांचा आवाज आपण या ठिकाणी ऐकतायत. दिवस रात्र ही स्पर्धा आणि अतिशय सुंदर हे स्पर्धेची संकल्पना आपण पाहू शकाल. धमाका बिग बॅश अंडर 24 चॅम्पियनशिप संपूर्ण आलेल्या आमच्या तमाम लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत या भिवंडीच्या DD ऐतिहासिक मैदानात. भिनारच्या मैदानात आपण पाहू शकतायत, नेहमीच हे मैदान चर्चेत राहिलं गेलंय आणि खूप चांगली भिनारकरांची जी मेहनत आहे ती खरोखरच वाखाणीजोगे पाहायला मिळते. डोळ्याचं पारणं फिटेल असं आयोजन नियोजन या स्पर्धेचं आपण पाहू शकाल. आज जे व्यासपीठ मिळालंय अंडर 24 खेळाडूंना, खऱ्या अर्थानं 24 वर्षाखालील खेळाडू आज या ठिकाणी स्वप्न घेऊन उराशी बाळगून ते या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि चांगला खेळ दाखवतील याच आशेने त्यांचे पॅकर्स त्यांना पाठबळ देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. खूप सुंदर दृश्य आपण पाहू शकताय, 70-70 बॉल यूज केला जातोय. आपण पाहू शकाल धमाका बिग बॅश अंडर 24 चॅम्पियनशिप, चॅम्पियन्स कोण बनेल हे शेवटच्या दिवसामध्ये कळेल, परंतु इथून जर आपण पाहिलं तर एक चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अजयजी, ज्या पद्धतीने आपण पाहतात भिवंडीमध्ये जास्तीत जास्त कार्यरत असतात तुम्ही समालोचन क्षेत्रामध्ये, परंतु हे अंडर 24 जी संकल्पना पाहायला मिळाली ना ती खरोखरच आपण पाहतायत वाखाणीजोगे आणि जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे या स्पर्धेचं.
जी हाँ, केवल आयोजन किया नहीं गया है बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया लेवल पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये खास बात है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया गया है इन युवा खिलाड़ियों को और उसका यहाँ पर ज़रूर फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं खिलाड़ी। पहले हाफ में हमने देखा है मैच के जिस तरह से भवेश नाइक ने कप्तानी पारी खेली है, अब बारी है पालघर फाइटर्स के बल्लेबाजों की। 90 रन बनाने हैं 6 ओवर्स में, बहुत बड़ी चुनौती है, मुश्किल है लेकिन असंभव कुछ होता नहीं है क्रिकेट के खेल में। सलामी बल्लेबाज अब क्रिस की तरफ बढ़ते हुए। दोन फलंदाज त्या ठिकाणी पोहोचले गेले, तन्मय आणि समीर ही अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल। 90 धावांचं टार्गेट यावेळेला सेट केल्यानंतर खूप भविष्य नाईकने खूप चांगला यावेळेला खेळ साकारला। 48 धावांची एक उपयुक्त पारी खेळली आणि इथे जर आपण पाहिलं तर षटकार चौकारांची आतषबाजी करत भविष्यने आपल्या डावाला स्वतःला संघाला सावरलं होतं। कारण जेव्हा भाया पाटील लवकरात लवकर बाद झाला तदनंतर मात्र जिम्मेदारीचा खेळ मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, तो भविष्य नाईकच्या बॅटमधून आपण पाहू शकला 48 धावा। आता जाऊया मॅचच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते। पहिलं षटक हाताळण्यासाठी बॉलर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल स्वराज म्हात्रे, आमचे गुणलेखक अल्पेश गायकवाड या ठिकाणी सज्ज आहेत। दोन पंच मैदानाच्या आतमध्ये सज्ज होत आहेत आणि सामन्याला सुरुवात होते। स्ट्राईक एंडकडे जर आपण पाहिलं तर यावेळेला समीर तामोरेला आपण पाहू शकतायत, तर एका साईडला आपण पाहू शकतायत मिस्टर तन्मयला आपण पाहू शकाल। तन्मय केनी मॅन फ्रॉम उच्छळीचा हा खेळाडू आपण पाहतायत। सामन्याला सुरुवात, पहिलं षटक हाताळण्यासाठी बॉलर तयार स्वराज म्हात्रे राईट आर्म ओव्हर द विकेटने। यावेळेला पहिलाच बॉल हुकच्या फटक्यात कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तिथे क्षेत्ररक्षक परिपूर्ण जज करू शकले नाहीत आणि पहिल्याच बॉलवर समीर तामोरीच्या बॅटमधून चौकार येताना पाहायला मिळतोय। हा येतोय धमाका बिग बॅश चौकार। पहिली गेंद पर लकी एस्केप बल्लेबाज के लिए, कंट्रोल में नहीं थे पूरी तरह से उस स्ट्रोक के, लेकिन चूंकि पावर प्ले चल रहा है लेकिन फिर भी मौका बन ही रहा था वहां पर, फील्डर पूरी तरह से जज नहीं कर पाए और थोड़े आखिरकार दूर रह गए। देखिए गेंद उनके बल्ले पर चढ़ सी गई थी, निराश थे स्ट्रोक खेलने के बाद, तो उनको लगा कि काम तमाम हो जाएगा लेकिन फिर देखा कि फील्डर थोड़े दूर है, आखिरकार 4 रन मिले। बाउंस मिळाला होता, बाउंस चेंडूवर उसत है, चेंडूवर कसं खेळायचं हे समीर तामोरेने अगोदर रीड केलं होतं। चौकार मिळाला पहिल्याच बॉलवर, इथून पुन्हा एकदा मात्र ऑन साइडला शफल झाले, चेंडूला मात्र पिक केलंय, ऍब्सोल्युटली सुपर टायमिंग, सरळ चेंडू निघून जाईल 6 धावन करता, मैग्निफिसेंट टायमिंग। फिर से थोड़ा सा गेंद को पीछे रखा था स्वराज म्हात्रे ने, इस बार वो उछाल प्राप्त नहीं कर पाए जिसकी कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी, कंफर्टेबल हाइट पर आई थी, अच्छे पोजीशन में आकर थोड़ा सा शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर पुल किया गेंद को, खींचा है ऑन साइड में, टाइमिंग लाजवाब और पहला सिक्सर इस पारी का, आकर्षक शुरुआत कही जा सकती है। पहली गेंद पर जरूर थोड़ा सा किस्मत का साथ मिला लेकिन ये परफेक्ट पुल शॉट था। मिडल ऑफ द बॅट ने चेंडू कनेक्ट होत असताना आपण पाहताय, ज्यावेळेला मिडल ऑफ द बॅट ने चेंडू कनेक्ट होतो ना त्यावेळेला मिळालेला मनाला समाधान एक वेगळंच काहीतरी देऊन जातो आणि त्याच पद्धतीने मात्र समीर तामोरेने जी स्टार्ट केलेली आहे ती मात्र वाकण्याजोगे पाहायला मिळते। अचूक टप्प्यावर भेदक मारा करेल का गोलंदाज स्वराज म्हात्रे, 2 बॉलवर 10 धावा आतापर्यंत पाहायला मिळत आहेत। पुन्हा एकदा सज्ज होईल मिस्टर तन्मय, यावेळेला समीर गुड डिलिव्हरी, ही लेंथ अँड लाईन बेस्ट अँड बेटर। आताच्या अलीकडच्या काळामध्ये आपण पाहिलं तर अजयजी या लेंथ अँड लाईनला दुजोरा द्यायला पाहिजे, जेव्हा तुम्ही शफल होता त्यावेळेला ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडूला पिच करता तर एक तुम्हाला मिळालेला बेनिफिट हे मात्र जरूर मिळतं। गुड डिलिव्हरी। और देखिए यहाँ पर जो रूल्स है उसके अनुसार बैट्समैन जब थोड़ा शफल करते हैं ऑफस्टंप के बाहर तो मार्जिन बढ़ जाता है गेंदबाज के लिए, उसी का फायदा उठाया है। अंपायर भी देखते हैं कि रिटर्न क्रीज के बाहर जाएगी तो वाइड देंगे जब बल्लेबाज शफल करते हैं। इथे जर आपण पाहिलं तर यस व्हाईट बॉलचा इशारा येताना पाहायला मिळत आहे, जसं तुम्ही मात्र या ठिकाणी उल्लेख केला आणि त्या पद्धतीने मात्र व्हाईट येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 11 धावा, 90 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी स्टार्ट तर अगदी नेत्रदीपक झाले पालघर टीमसाठी। आपण पाहिलं तर आदरणीय अनिकेत राऊत विश्व स्पोर्ट्सचे प्रोप्रायटर पाहायला मिळत आहेत आणि ताई पॅकर्सचे अमर परोळेकर यांच्याकडून बेस्ट ऑफ लक मात्र पालघर फायटर्स संघासाठी आपण पाहू शकाल। संघाची धावसंख्या 11 धावा झालेल्या आहेत, खूप चांगली सुरुवात। मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न बॅट्स टॉप एज आणि यस फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळेल।
समीर तामोरे एका साईडला आपण पाहू शकताय, तन्मय केनी, परंतु या ठिकाणी केलेला कमबॅक स्वराज मात्रेच्या माध्यमातून त्याने ऑफ स्टंपला यावेळेला चेंडू पीच केला आणि खरी मात्र यावेळेला स्पेशालिटी पाहायला मिळाली गोलंदाजाची. हालांकि इस बार कुछ अधिक करने का प्रयास गेंदबाज ने नहीं किया, उन्होंने फुलर लेन पर गेंद को रखा, सीधी गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं थोड़ा गलत स्ट्रोक खेला है मैं समझता हूँ. शायद फिर से वो थोड़ा शॉर्ट पिच गेंद का इंतजार कर रहे थे जिस तरह से पोजीशन में आ रहे थे, लेकिन आगे गेंद मिली फिर भी उठाकर खेलने का प्रयास किया ऊपर लगी बल्ले के और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. थोड़े कैरिड अवे भी हो गए, दो बड़े शॉट्स आ चुके थे, हालांकि आस्किंग रेट 15 का है, लेकिन क्रीज पर टिके रहना बहुत जरूरी था, टिक नहीं पाए. 10 रन बनाने के बाद पवेलियन में लौटते हुए समीर तामोरे 11 पर एक इस समय पालघर फाइटर्स. अच्छा कैच लपका विकेट कीपर और कप्तान भावेश नाईक ने. नक्कीच भावेश नाईक पुन्हा एकदा फ्रेम मध्ये येताना पाहायला मिळतोय, खूप चांगला लीड करतोय. म्हणतात ना सर्वात चांगला यशस्वी नेता तोच असतो जो सर्व कार्यकर्त्यांना घेऊन चालतो, आणि क्रिकेटमध्ये तोच यशस्वी कर्णधार होतो जो सर्व खेळाडूंना घेऊन चालतो, आणि त्याच पद्धतीने भावेश नाईक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडूला पिच केलं होतं, इथे मात्र रिदम चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळाला, आणि खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं पहिल्या चेंडूवर चौकार दुसऱ्या चेंडूवर षटकार काही गोलंदाज दबावाखाली गोलंदाजी करतात, परंतु इथे मात्र कमबॅक करण्याची संधी मिळाली स्वराज म्हात्रेला, आणि ते कमबॅक करत असताना मात्र पहिली सफलता या ठिकाणी प्राप्त करताना स्वराज म्हात्रे हे टॅलेंट दाखवण्याचं मंच आपल्याला पाहायला मिळतं, आणि ते स्वराज मात्र या ठिकाणी करत असताना पाहायला मिळतोय. अर्जुन गायकवाड न्यूमॅनिन ऑफ साईडला ऑन द राईट खेळला गेला, तत्पूर्वी सिंगल त्या ठिकाणी मेल जमिनी लगत मात्र या ठिकाणी स्ट्रोक खेळताना पाहायला मिळत आहे. जेव्हा प्लेन मैदान असतं, सपाटीकरण मैदान असतं, त्यावेळेला तुमचं कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळणं फार महत्वाची गोष्ट असते, मास्टर माइंड क्रिकेट खेळावं लागतं, आणि अशा प्रकारे सिंगलच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचते 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर 12 धावा. स्टार्ट तर चांगली झाली नो डाऊट, लेकिन बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कई बार हम देखते हैं कि चेस करने वाली टीमों को अच्छी शुरुआत मिलती है, पावर प्ले के दौरान रन्स आते भी है, लेकिन वो जो मोमेंटम आपको मिलता है उसको बरकरार रखना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है. डेफिनेटली एब्सोल्युटली ट्रू. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 12 धावा एक गडी बाद, पुन्हा एकदा बॉल तयार. गुड डिलिव्हरी, टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळतो. गुड लेन स्पॉटवरून चेंडू हलकासा यावेळेला मात्र आपण पाहू शकतोय चेंडू बाहेर निघणारा पाहायला मिळाला, आणि खडेखडी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला तन्मय केनेने. संघाची धावसंख्या मात्र या ठिकाणी 12 जाऊन पोहोचली गेली. कंपॅरिझन करताना अजयजी जर आपण पाहिलं तर प्रतिस्पर्धी संघाच्या धावा होत्या 11, एक गडी बाद झाला होता, इथे एक धावेने मात्र पुढे जाताना आपण पाहू शकताय. म्हणजे कंपॅरिझन करताना सारखे चाललेले आहेत दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पालघर फायटर्स संघ एका साईडला, ठाणे स्ट्रायकर्स संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जे श्रोते जोडले गेलेत त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक करूया आपण सुस्वागतम. जी हाँ, कई सारे ऑनलाइन व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं 7070 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर. ठाणे स्ट्राइकर्स बनाम पालघर फाइटर्स, ये पहला मैच है और अब समीकरण 30 गेंदों में 78 रन, चुनौती बहुत ही मुश्किल है. स्कोर कंपैरिजन में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है, विकेट भी एक एक गिरा है, लेकिन पहले बैटिंग करना और रनों का पीछा करना, बड़े टारगेट का पीछा करना, इसमें बहुत फर्क रहता है. इम्पैक्ट प्लेयर मैदान में, जहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण रूल है, आपके पास एक आज़ादी रहती है, आपके एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाते हैं अंदर, इम्पैक्ट प्लेयर, और क्या वाकई में इम्पैक्ट प्लेयर इम्पैक्ट छोड़ेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है. गेंदबाजी के लिए मेरे ख्याल से इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल. विघ्नेश आया है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ठाणे स्ट्राइकर्स टीम के लिए, और अच्छी गेंदबाज है विघ्नेश, विघ्नेश पाटिल नेवर लेकर शिवांश, शिवांश सिंग गोलंदाजी मार्क वर येताना पाहायला मिळतो. दुसरे षटक पावरप्लेचं बंधनकारक आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिले षटक 12 धावा आल्या, खूप चांगली स्टार्ट मिळून दिली गेली दोन्ही फलंदाजाच्या बॅटर मधून. मात्र आपण पाहू शकलाय तर ज्या तन्मय केनीच्या बॅट मधून अजूनपर्यंत धावा आलेले नाही आहेत, एक बॉलचा सामना जरूर केला गेलाय. समीर तामोरेने खूप चांगली स्टार्ट करून दिली, पालघर फायटर्स संघासाठी सलामीवीर म्हणून ओळखला गेला. आता अर्जुन गायकवाड एका साईडला आपल्याला पाहायला मिळतोय स्ट्राईक इन कडे. लोफुलटा चेंडू होता, यावेळेला इनफील्ड क्लिअर होणार नाहीये, सॉफ्ट डिसमिसल, फलंदाज बाद. मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे और उनके ऊपर से खेलने का प्रयास था, एलिवेशन जितना चाहिए था उतना बना नहीं पाए स्ट्रोक के पीछे बल्लेबाज अर्जुन गायकवाड. एक रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए लो फुल टॉस गेंद देखिए, हवा में खेला उन्होंने, लेकिन बढ़िया कैच वहां पर सीधे फील्डर के पास मिड ऑन की दिशा में. जुगेश यादव ने कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच, 12 पर गिरा है दूसरा विकेट.
सुंदर जजमेंटने झेल टिपला गेला, यावेळेला अलगत झेल आला होता आणि तिथे सोपा करून ठेवला. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 12-2 विकेट्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी, आतापर्यंत पहिलाच बॉल लो फुलटॉस चेंडू ठेवला होता. अर्जुन गायकवाड मात्र त्या ठिकाणी जरूर खेळले गेले, परंतु इनफील्डच्या वरून खेळण्याचा यावेळेला मोह आवरता आला नाही आणि फलंदाज बाद झाला. तर आता थोडी कुठेतरी नाजूक स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, कारण जेव्हा आपण पहिलं कंपॅरिझन करताना एक गडी बाद झाल्यानंतर दुसऱ्या फलंदाजाने खूप चांगली पार्टनरशिप यावेळेला स्वीकारली गेली होती. भावेश नाईक आणि पृथ्वीराज यादव यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं गेलं होतं. इथून 90 धावांचा पाठला करताना स्टार्ट चांगली झाल्यानंतर दुसऱ्या षटकातील पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळाल्याचं या ठिकाणी जरूर सॅटिस्फाईड असेल, परंतु इथे दबाव असेल का, इथून पार्टनरशिप करावी लागेल. खूप चांगलं क्रिकेट, 12-2. सुंदर मैदानाची उभारणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहत आहेत. ऐतिहासिक मैदान म्हणून या मैदानाचा एक आपल्याला वलय पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा बॉलर ऑन साईडला खेळला गेला, ऑन ड्राईव्ह खेळत असताना मनगडाचा वापर केला. क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावेल, तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर एकच धावेवर सॅटिस्फाईड राहावं लागेल. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 13 धावा. 90 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी धावा होऊ शकतील. मी करेन आत्मविश्वास फार महत्वाची गोष्ट असते, तो तुम्हाला आत्मविश्वासाने मात्र या ठिकाणी फलंदाजी करावी लागणार आहे. अजयजी जी, हा आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, तभी जाकर कोई भी कार्य आप सफलता के साथ कर सकते हो. बिना आत्मविश्वास के साथ कुछ भी नहीं होता है प्रमोद. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बॅटचं टॉप एज आणि यस पॉइंटला मात्र कोणतीही चुकी करणार नाही या क्षेत्ररक्षक. फलंदाज या ठिकाणी बाद, 3रा धक्का पालघर फायटर्स संघाला. लटखडाती हुई पारी पालघर फाइटर्स की 90 रनों का पीछा करते हुए, बहुत खूबसूरत गेंद थी ये, थोड़ी आगे रखी हुई थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लीडिंग एज हुआ है और एक आसान सा कैच, कैचिंग बढ़िया, गेंदबाजी लाजवाब, बल्लेबाजी भी जबरदस्त रही है ठाणे स्ट्राइकर्स की ओर से, यानी कि सारी चीजें उनके लिए सही जाती हुई. केवल टॉस हालांकि जीत नहीं पाए थे, लेकिन उसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि बहुत बेहतरीन टोटल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया है बल्लेबाजों ने. और अब गेंदबाज अपना काम करते हुए 13-3 इस समय पालघर फाइटर्स. 13 धावा 3 गडी बाद यश जाधव पुढे सरसावले. मीरा रोडचा हा खेळाडू आपण पाहू शकताय, कोणतीही चुकी करणार नाही, खूप चांगलं टॅलेंट भरलेला आहे. आता मुसद्दीक शेख स्वतः एज अ कॅप्टन आहेत या फालगर फायटर्स संघाचे, तर इथे मात्र जरूर चांगली एक फलंदाजीची अपेक्षा असेल की धावा खोऱ्याने वाहिल्या जातील का, हे सर्व काही प्रश्न खुणावत असतील प्लेयर स्टँडमध्ये. संघाची धावसंख्या 13-3 गडी बाद झालेल्या आहेत. इथून वीरेंद्र बाबरे आणि एका साईडला मुसद्दीक शेख, हे दोन फलंदाज जर इथे पार्टनरशिप झाली तर डेफिनेटली धावा मात्र ऑटोमॅटिकली येताना आपल्याला पाहायला मिळतील. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेर निघणारा पाहायला मिळतोय. गुड डिलेव्हरी, खूप चांगली थिंकिंग, पॉझिटिव्ह सहित गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतो. ऍक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आणि आकृतीपेक्षा तुमची क्रिकेटच्या मैदानात कृती फार महत्वाची असते आणि त्याचंच प्रात्यक्षिकरण यावेळेला शिवांश सिंग दाखवत असताना पाहायला मिळतोय. सुपर बॉलिंग, अच्छे रिदम में नजर आते हुए, रफ्तार काफी अच्छी दिखाई है उन्होंने अभी तक इस ओवर में, और पहले ओवर में स्वराज मात्रे ने भी काफी तेज गेंदबाजी की थी. इंग्लंड गोलंदाजी करताना आपण पाहत आहेत ऑफस्टंपच्या बाहेर येऊन खेळण्याचा मनसुबा बाळगला होता मुसद्दीक, प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि इथे पुन्हा एकदा निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळते. बल्लेबाज वहां पर व्हाइट की मांग कर रहे थे, लेकिन पहले ही खुद वो ऑफस्टंप के बाहर निकल आए थे, शफल कर चुके थे, ऐसे में अंपायर कैसे व्हाइट देंगे. ऑफसाईडला खेळण्याचा मनसुबा पुन्हा एकदा, मात्र या ठिकाणी इंटरव्हेल विकेट मिळत आहेत. फलंदाज मुसद्दीक शेखला परतावं लागेल. बॅक टू द पवेलियन गॉन, काय गोलंदाजी केली शिवान सिंगने आतापर्यंत. या ठिकाणी आपण पाहिलं तर 3 विकेट्स मिळवलेत, म्हणजेच मी चांगला गोलंदाज आहे. और लगातार बल्लेबाज से दूर रख रहे थे गेंदों को बायत के बॅट्समन मुसद्दीक, थोडेसे परेशानी में भी नजर आए, 2 डॉट गेंदे खेल चुके थे इससे पहले, अब की बार संपर्क बनाया तो पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक. एक और अच्छा कैच वहां पर, 13 पर गिरा है 4th विकेट. पूरी तरह से चरमराती हुई पारी इस मैच में पालघर फाइटर्स की, और अब ये दोहरी चुनौती है बल्लेबाजों के सामने प्रमोद शिर्गे, कि आपको विकेट पर टिकना भी है और रन्स भी तेज गति से बनाने हैं. केवल टिकने से भी शायद अब बात ना बने, क्योंकि 4 ओवर्स का मात्र खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 77 रनों की आवश्यकता है. राहिल अंसारी इम्पैक्ट प्लेयर अपने पहाय मिलते, मैन फ्रॉम कॉमन, अगदी योग्य म्हटलं आपण.
अजय सर ज्या पद्धतीने आपण पाहू शकता टिकून फक्त राहणं चांगलं नाहीये, तर इथून तुम्हाला धावत सुद्धा येणं खूप महत्वाची गोष्ट आहे, कारण 90 धावांचा जेव्हा पाठलाग तुम्ही करता त्यावेळेला धावा येणं फार महत्वाची गोष्ट असते. विकेटवर विकेट जेव्हा जातात त्यावेळेला दबावाला न जुमानता चांगली फलंदाजी करणं, स्ट्राईक रोटेट करणं, प्रेशर थोडंसं यावेळेला रिलीज करणं आणि प्रतिस्पर्धी संघावर अटॅक करणं ही खूप महत्वाची भूमिका असते. हे गेम प्लॅनिंग असतात, कारण तुमच्याकडे दोन गेम प्लॅनिंग असायला हवेत, ए आणि बी. जर तुमचा ए मात्र यावेळेला फसतोय तर दुसरा बी सक्सेस होताना पाहायला मिळतो, परंतु त्यासाठी असलेला आत्मविश्वास. इम्पॅक्ट प्लेयर पंच त्या ठिकाणी सिग्नल करत असताना पाहायला मिळत आहेत, अतिषय सुंदर पद्धतीने गोलंदाजी. दुसरं षटक आपण पाहिलं तर शिवांश सिंगच्या नावावर गेलं, 3 विकेट्स मिळवल्या, विकेट टेकर गोलंदाज मी आहे आणि हे दर्शवत असताना अचूक टप्प्यावर अचूकता काय असते याचं प्रात्यक्षिकरण या ठिकाणी दाखवून दिलं गेलं. षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झाले, 2 षटकांमध्ये 13 धावा 4 गडी बाद. यावेळेला वीरेंद्रचा हा फटका जरूर बॅट्स टू या ठिकाणी जरूर लागला होता, चेंडू पाठीमागे निघून जातोय, लॉंग स्टॉप रिजनला मेल, वीरेंद्र बाबरेला 1 धाव आणि पालघर फायटर्स संघ जाऊन पोहोचतोय 14-4 आतापर्यंत पाहायला मिळत आहेत. राहील अन्सारी एक अप्रतिम खेळाडू आहे, परंतु आज अजयजी कागदोपत्री स्ट्रॉंग असून चालणार नाहीये. जी क्रिकेट के खेल में यही तो महत्वपूर्ण बात रहती है कि आप वर्तमान में क्या करते हो, मैदान के अंदर किस तरह का खेल पेश करते हो. हालांकि रेपुटेशन काफी अच्छा है राहिल अंसारी का, एक पावर हिटर का रेपुटेशन है उनका, तेज गति से रन बनाते हैं. या वाला बॅटची एज घेत चेंडू मात्र पाठीमागे निघून जाईल, तत्पूर्वी सिंगल मेल, शॉर्ट थर्ड मॅन त्या ठिकाणी तैनात आहे. खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी केली गेले, फलंदाजाला परिपूर्ण रीड करतायत, शफल होत आहेत, तर ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडूला पिचिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ॲब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक बॉलिंग, और बल्लेबाज भी पहले ही मूव कर रहे है, गेंदबाज को पॉइंट ऑफ रिलीज पर आने से पहले ही वो मूव कर रहे है, उस वजह से गेंदबाजों को मौके मिल रहे है, भाप रहे है बल्लेबाजों को गेंदबाज. स्वराज मात्रेचा हा चेंडू ओवर पिच चेंडू जरूर होता, इनसाइड आउटचा फटका खेळला गेला, इनफील्ड क्लिअर करत असताना एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफच्या अगदी मधोमध नेत्र दीपक चौकार, गुड शॉट, बहुत बढिया शॉट वीरेंद्र बाबरे की बल्ले से. अभी तक उतना कॉन्फिडेंस झलका नहीं था बल्लेबाजी में, लेकिन ये स्ट्रोक जरूर उनको कॉन्फिडेंस देगा. और पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा रूम था उसका फायदा उठाया, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. खूप चांगला फटका यावेळेला पाहायला मिळतोय वीरेंद्र बाबरेच्या बॅट मधून, बॅटचा फ्लो अप्रतिम आपण पाहू शकला आणि सरळ चेंडूला मात्र पाठवलं या ठिकाणी चौकाराकरिता. कॉन्फिडन्स देणारा हा चौकार आपण पाहू शकताय आणि मी तर म्हणेन संघर्षाचा चौकार आला. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 19. ऑन साइडला पुलचा फटका जरूर खेळला गेलाय, चेंडू बराच वेळ हवेत राहतोय परंतु चेंडू सीमारेषा पलीकडे निघून जाईल, आउट ऑफ द पार्क, धमाका बिग बॅश सिक्सर. और इसी की दरकार है, काउंटर अटैक करने की आवश्यकता है. काउंटर अटैक करते हुए इस समय बल्लेबाज वीरेंद्र बाबरे, थोड़ी छोटी गेंद भी थी और थोड़ी धीमी गति की गेंद भी थी, थोड़ा इंतजार किया और फिर वार किया, बेहतरीन पुल शॉट, जल्दी पढ़ लिया था उस लोअर वन को, उस शॉर्ट पिच गेंद को. या वेला स्विच इटचा फटका थर्ड मैन क्लियर करत असताना सुपर बॉडी, काय फलंदाजी केली, म्हणून मी म्हटलं होतं वीरेंद्र बाबरेला मी पाहिलंय बरेच वेळेला की रिदम सहित फलंदाजी करणारा, डावाला स्वतःला संघाला सावरणारा संकटमोचक फलंदाज, छोटा पॅक बडा धमाका षटकार. अक्सर वीरेंद्र सहवाग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सनसनी निर्माण करते थे मैदान में, यहां पर वीरेंद्र बाबरे ने इस अंडर-24 चैंपियनशिप में थोड़ी सनसनी निर्माण कर दी है, जिसकी जरूरत भी थी पालघर फाइटर्स टीम को. बड़े शॉट्स आते हुए, बहुत अच्छी पोजिशन में आते हुए, फिर से थोड़ी छोटी गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लिया और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर से खेल दिया, स्विच इट 6 रन. बाउन्स मिळाला होता अगोदरच मात्र या ठिकाणी ओळखलं होतं. या चेंडू नंतर पाणी जाईल मैदानाच्या आतमध्ये, संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे. अल्पेश गायकवाड आम्हाला दर्शवतात 31 वर जाऊन पोहोचली गेली. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू मात्र सबमरिंग डिलिव्हरी आपण पाहू शकता. भाविकच्या हातामध्ये चेंडू यावेळेला निघून जातोय, संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे 31-4 गडीबाद झालेत, म्हणजेच इथून अजयजी जर आपण पाहिलं तर अजून सुद्धा 59 रन्स टू विन असतील, 59 धावांचं लक्ष अजून सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे 31 धावा. षटक क्रमांक 3 कंप्लीट झालेत आणि 3 षटकांमध्ये संघाची धावसंख्या 31 घरामध्ये पोहोचली गेले. क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, 3 ओवर में 59 रन भी बनाए जा सकते हैं, और खासतौर पर ये मैदान जो है यहाँ पर इस तरह के स्कोर्स बन सकते हैं मेरे ख्याल से.
जिस तरह से वीरेंद्र बाबरे बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण जाग सी गई है पालघर फाइटर्स के लिए। पिछले ओवर में 3 बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले उन्होंने, एक चौका और लगातार 2 छक्के भी जड़े, और अच्छा ओवर रहा स्वराज मात्रे का। ये दूसरा ओवर था, खर्चीला रहा उनकी टीम के लिए, लेकिन पालघर फाइटर्स के लिए अच्छा ओवर घटा। निश्चित स्वरूपात 2 षटकांमध्ये 30 धावा देत एक गडीबाद 15 इकॉनॉमी या वेळेला आपण पाहू शकता। पहिले षटक अप्रतिम हाताळला होता, फक्त 12 धावांचं होतं, तिथे एक विकेट सुद्धा मिळाली होती, परंतु या तिसऱ्या षटकामध्ये आला तो रिदम पाहायला मिळाला नाही। जो पहिल्या षटकामध्ये जो स्पेल आपण पाहू शकला, तिथे मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये आल्यानंतर थोडीशी बॉडी लँग्वेज कुठेतरी निगेटिव्ह पाहायला मिळाली। चौकार आल्यानंतर षटकार षटकार आपण पाहू शकतायत, ते आपण पाहू शकाल। पुणे पॅन्थर्स संघाचे या ठिकाणी जबरदस्त स्कॉडमध्ये असलेले खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। एका साईडला रायझिंग भिवंडी संघ सुद्धा आपण पाहणार आहोत, आणि संपूर्ण अंडर 24 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। भावेश पवार मात्र या ठिकाणी टीम मेंटॉर म्हणून काम बजावणार आहेत भिवंडी संघाच्या माध्यमातून। रायझिंग भिवंडी बिलाल शेख यांना आपण पाहू शकतात, अल्ताप बाली एक सुंदर व्यक्तिमत्व जे ओनर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। म्हणजेच दोन्ही संघ या ठिकाणी लढण्यासाठी तयार आहेत आणि खूप चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल या DD स्पोर्ट्स ग्राउंड भिवंडी ठाणे आपण पाहू शकतायत मीनाच्या मैदानात। यह आज के खेल की रूपरेखा है। पहला मैच चल रहा है ठाणे स्ट्राइकर्स और पालघर फाइटर्स के बीच में, इसके बाद पुणे पैंथर्स और राइजिंग भिवंडी के बीच में मुकाबला रहेगा। टॉस हो चुका है, पुणे पैंथर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। उसके बाद पहले मैच की विजेता टीम और दूसरे मैच की विजेता टीमों के बीच में मैच, फिर लूजर लूजर के बीच में मैच रहेगा, और फिर आखिर में एक और महत्वपूर्ण मुकाबला। तो कुल मिलाकर 5 मैचेस होने वाले हैं ग्रुप ए के मैचेस। कल ग्रुप बी के मैचेस खेले जाएंगे। खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन है। हेमंत बनियाल साहब और सुरेश राणा साहब को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया ये टूर्नामेंट धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप। अप्रतिम 70-70 माध्यमातून यूट्यूब वर आपण लाईव्ह थेट प्रक्षेपण पाहू शकता। जे श्रोते जोडले गेले त्यांचं सुद्धा धन्यवाद आणि त्यांचं सुद्धा सुस्वागतम असेल। आज 70-70 हे फक्त नाव चर्चेत राहिलेलं नाहीये, तर आज क्वालिटी आणि क्वालिटी बरोबर ब्रँड तयार झालाय। अरे भाई सय्यद यांच्या माध्यमातून मात्र खूप धमाकेवर धमाके होत गेले आणि आज खेळाडूंना सुगीचे दिवस आलेत आणि खऱ्या अर्थानं ग्लॅमर क्रीज जो वाढताना पाहायला मिळतो अप्रतिम आपण पाहू शकाल। संघाची धावसंख्या एकंदरीत 31 वर जाऊन पोहोचली गेली। 3 षटकांचा खेळ झाला, 10.33 ची सरासरी यावेळेला मेंटेन केली गेले। आता 18 बॉल आणि 18 बॉलमध्ये 59 धावेची आवश्यकता। या वेळेला मात्र सरळ चेंडू निघून जाईल, बॅटची ईज घेत आपण पाहू शकला। भावेश नाईकच्या हातामध्ये चेंडू विसावला गेला आणि इथून मात्र राहील अन्सारीला परतावं लागेल। म्हणजे शिवांशनी जी गोलंदाजी केली ती अप्रतिम गोलंदाजी, 4 विकेट आतापर्यंत मिळवलेत, एकच धागा पकडून गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतो। बीट झॉनली स्किन डीप वैविध्यता गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते, व्हेरायशन गोलंदाजीमध्ये आणलं गेलं आणि या 4 विकेटचा मात्र खरा हकदार आपण पाहतायत या ठिकाणी शिवांश सिंग। गजब की गेंदबाजी, मात्र 7 गेंदे की है उन्होंने, उसमें से 4 गेंदों पर विकेट चटकाई है और सिर्फ 1 रन खर्च किया है। यॉर्कर लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी करीब थी, बैट्समैन जरूर एक बड़ा प्रहार करना चाहते थे उस पर राहिल अंसारी, लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा लगा और अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। तो राहिल अंसारी ने भी निराश किया, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, सिर्फ 1 रन का योगदान दे पाए। वीरेंद्र बाबरे अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये टारगेट यदि हासिल करना है या फिर लक्ष्य के नज़दीक भी पहुँचना है प्रमोद, तो मुझे लगता है कि आप दोनों तरफ से आक्रमण करना होगा। निश्चित स्वरूपात आता पर्याय उरलेला नाहीये, कारण 59 धावांचं लक्ष्य आता मात्र उर्वरित चेंडूमध्ये 17 चेंडूमध्ये पाहायला मिळतं। म्हणजे इथे कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट तुम्हाला खेळावं लागणार आहे। अंडर 24 आज खऱ्या अर्थानं संकल्पना ही सुंदर पाहायला मिळाली। आज प्रत्येक खेळाडूला व्यासपीठ मिळवून देण्याचं काम केलं या स्पर्धेने आणि इथून ही स्पर्धा मात्र वेगवेगळ्या ठिकाणी अंडर 24 माध्यमातून कव्हर होताना पाहायला मिळतील। परंतु स्टार्ट कुठून मिळाले, या मैदानापासून साहिल चापके त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय, मॅन फ्रॉम रावळे केळवा रोड या विभागातून मात्र या खेळाडूने खूप चांगली प्रगती केली। बाउन्स मिळाला होता, खूप चांगला चेंडू पाहायला मिळाला, रायझिंग डिलिव्हरी आपण पाहू शकलात। संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर थांबली गेले। अतिरिक्त गती है इनके पास, अतिरिक्त उछाल भी पिछली गेंद पर प्राप्त किया और लेंथ में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इथून सुंदर फटका आपण पाहतायत, स्वीट टायमिंग आहे, क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक देत चेंडू निघून जाईल। साहिल चापकेच्या बॅट मधून अप्रतिम षटकार, गुड टाइमिंग, गुड शॉट। सापके के बैट से चबुक शॉट, कड़क शॉट खेला डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी और बहुत मधुर ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले पर टकराई थी। लॉन्ग ऑफ के फील्डर प्रयासरत थे, एक उम्मीद थी उनको कि मौका बनेगा, लेकिन नहीं, उनके सिर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर।
37 धावा 5 गडी बाद इथून आपण पाहताय 53 धावांची अजून सुद्धा आवश्यकता असेल. येणारे बॉल आहेत 15. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडूला पिच केलं. इथून बॅटची एज घेत चेंडू निघून जाईल भावेश नाईकच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा मात्र यावेळेला ऑल ऑफ 5 विकेट्स आपण पाहू शकताय. सुपर बॉलिंग, ब्युटिफुल बॉलिंग, खरोखरच कौतुकास्पद गोलंदाजी आणि विलक्षण कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळाला शिवांश सिंग. मॅग्निफिसंट बॉलिंग. पहिले मॅच मे पंजा खोला आहे शिवांश सिंग ने. गजब की गेंदबाजी, सिंग किंग बन गए और गेंदे भी उनकी थोड़ी स्विंग होती हुई नजर आई है. लेंथ में जो खास तौर पर परिवर्तन कर रहे हैं वो बेहतरीन है उनका. कभी पीछे रखते हैं, कभी आगे रखते हैं, और जब फुलर लेंथ रखते हैं तो उसमें ज़्यादा पेस होता है. फुलर लेंथ की गेंदों पर ज़्यादातर विकेटें प्राप्त की है उन्होंने. बाहरी किनारा लगा था बल्ले का और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. तो विकेट कीपर कप्तान ना खुद भावेश नाईक बेहतरीन योगदान देते हुए अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं. बल्लेबाजी तो लाजवाब की उन्होंने. 48 रन बनाए मात्र 18 गेंदों में, जिसमें 5 छक्के जड़े थे और 3 चौके. बहुत ही उम्दा पारी, उन्हीं की पारी की बदौलत एक विशाल स्कोर खड़ा किया 89 रन्स. ओमकार केनी ने भी 21 रनों का अच्छा योगदान दिया और अब गेंदबाजी में शिवांश छाए हुए है 7 रन देकर 5 विकेट. खूप चांगली गोलंदाजी, लेंथ एंड लाईनचा राजा मात्र शिवांश सिंग आपल्याला पाहायला मिळतोय. युवराज डुकले न्यूमॅन इन मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल. 5 विकेट्स या ठिकाणी जरूर घेतले गेले. पहिल्या सामन्यामध्ये त्याचा कॉन्फिडन्स लेवल हाय होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. सुपर बॉलिंग. संघाची धावसंख्या 37. इथून जर आपण पाहिलं तर 6 गडी बाद झालेत. जयेश डुकलेला मात्र काहीतरी करावं लागेल आपल्या संघासाठी. रिस्पॉन्सिबिलिटी उचलावी लागेल, कारण जगातील सर्वात चांगलं टॉनिक कोणतं आहे तर जबाबदारी. आणि जबाबदारीचं टॉनिक प्यायल्याने खेळाडू मनुष्य कधीही थकत नाही. तर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग स्ट्रोक जरूर झालाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहेत. 1 बाउन्स 2 बाउन्स ने मात्र चेंडूला फील करतायत यश जाधव, ब्रँड ऑफ मीरा रोड. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते 38 या धावसंख्येवर. चौथं षटक प्रगतीपथावर सुरू आहे आणि काय गोलंदाजी केले. भन्नाट फॉर्मामध्ये असलेला शिवांश सिंगने आतापर्यंत प्रत्येक प्रेक्षकांची मने जिंकलेत. 5 बॉलचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या स्थिरावली गेली 38 धावा. अचूक टप्प्यावर भेदक मारा करत स्पायसी बॉलिंग यावेळेला पाहायला मिळते. तिखट मारे केले गेलेत. स्विच करण्याचा प्रयत्न, स्वतःवर निराश यावेळेला आपण पाहू शकाल मिस्टर वीरेंद्र बाबरे. षटक क्रमांक 4 झालेत अजयजी आणि 38 वर 6 म्हणजे इथून 12 बॉल आणि 12 बॉलमध्ये 52 धावांची अजून सुद्धा गरज आहे. याला म्हणतात कॉन्ट्रीब्युट. खूप कॉन्ट्रीब्युशन खूप चांगल्या पद्धतीने केलं गेलं. इट्स अ टेक टू मेक अ क्वारेल. एका हाताने कधीच टाळी वाजत नसते, तर त्यासाठी कॉन्ट्रीब्युशन तुम्हाला करावं लागतं. युनिटी स्ट्रेंथ असावी लागते आणि तेच मात्र केलं. प्रत्येकाने प्रत्येकाचा रोल जेव्हा अदा करतात ना त्यावेळेला तुम्हाला मिळालेलं हे मात्र उत्तम काय असतं तर यश. आणि तेच मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतं. और यही तो बहुत बड़ा फर्क रहा है दोनों भी टीमों के दरमियान. 12 गेंदों में अब 52 रन चाहिए, यह समीकरण आपकी स्क्रीन पर. टीम एफर्ट अच्छा रहा है ठाणे स्ट्राइकर्स का. बल्लेबाजी में केवल एक बल्लेबाज ने नहीं बल्कि 3 बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया. हम पृथ्वीराज यादव का 15 रनों का योगदान भी नहीं भूल सकते. ओमकार केनी ने जिस तरह से फिनिशिंग टच दिया पारी को वो भी लाजवाब था. और कप्तान की कप्तानी पारी, जवाब में गेंदबाजी में हालांकि स्वराज थोड़े खर्चीले साबित हुए. 2 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन जो स्पेल डाला है शिवांश ने वो कमाल का है. 8 रन देकर 5 विकेट, पहले ही मैच में उन्होंने फाइफर लिया है. तो ये टीम एफर्ट है, वो टीम एफर्ट नदारद रहा है पालघर टीम की ओर से. नक्कीच ठाणे स्ट्रायकर्स संघाकडून मात्र खूप चांगली टीम एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पालघर फायटर्स संघ झुंजताना पाहायला मिळतो, संघर्ष करताना पाहायला मिळतो. आणि खुश असतील ठाणे स्ट्रायकर्स संघाचे ओनर रवी घरत आणि किरणजी मेहर आपल्या या संघाच्या कामगिरीवर. मॅनेजर आहे सचिन कदम आणि प्रेम शेळके यांना आपण पाहू शकताय. तर एका साईडला ओनर जर आपण पाहिलं तर अमर परुळेकर, त्याचप्रमाणे अनिकेत राऊत, मोतीलाल शाह आपण पाहतायत आणि टीम मेंटॉर म्हणून निकेत पागदरे यांना आपण पाहू शकतायत. अप्रतिम ताई पॅकर्स अँड MS एचओवर 11 पालघर संघ थोडासा स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या 38 झालेली आहे, 52 धावांची अजून सुद्धा लक्ष या ठिकाणी पाहायला मिळतं. युवराज डुकले सज्ज होईल हा चेंडू खेळण्यासाठी. विराज मुंबईकर वेला ऑफ साईडला खेळला गेलाय. तत्पूर्वी सिंगल तर डेफिनेटली त्या ठिकाणी पळून पूर्ण केली जाईल. एकच दावेवर सॅटिस्फाईड राहावं लागेल. इथून वीरेंद्र बाबरे फटके मात्र या ठिकाणी जरूर षटकारांची आतषबाजी करेल का, कारण क्वालिटी आहे या खेळाडूकडे. 7 बॉलमध्ये 18 धावा आतापर्यंत वीरेंद्र बाबरेच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत. म्हणजे इथून एक क्वालिटी फलंदाजी करावी लागणार आहे वीरेंद्र बाबरेला. मात्र अजयजी सुरेख साथ मिळाली नाही फलंदाजांची आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी स्वतः एकाकी झुंज देताना पाहायला मिळतोय. वीरेंद्रचा हा फटका अप्रतिम,
फ्लिक ऑफ द रिस्ट सुपर टायमिंग सही चेंडूला फेकून दिला सहा धावन करता धमाका बिग बॅश सिक्सर 70-70 की गेंद है लगा तो सिक्स इस बार बहुत अच्छा लगा है और लगातार अब इस तरीके से लगाने भी होंगे यदि मैच को जीतना है तो क्योंकि 10 गेंदों में 45 रन और चाहिए स्लॉग स्वीप किया था उन्होंने ऑफस्टम्प के बाहर की गेंद थी लेकिन लेंथ आप देखोगे तो स्लॉट में गेंद गिरी है और स्लॉट में जब गेंदबाजी होती है तो फिर बड़े शॉट्स खेलना इतना मुश्किल काम तो रहता नहीं है हालांकि दबाव है और दबाव में ऐसे गेंदों पर भी बड़े शॉट्स खेलना मुश्किल होता है खूप चांगला चेंडू होता ऑफस्टम्पच्या बाहेर चेंडूला पिच केलं इथून सबमरिंग डिलिव्हरी आपण पाहू शकता बॅट हवेत फिरली आणि सरळ चेंडू निघून जातोय भावेश नाईक गुड कॅप्टनशिप आतापर्यंत मी म्हणेन कारण ज्या पद्धतीने गोलंदाजाला गोलंदाज अटॅकवर आणला गेलाय कोणत्या गोलंदाजाला कोणत्या कंडिशनमध्ये कसं षटक मात्र हाताळावं याचं प्रात्यक्षिकरण भावेश नाईक कमी वेळेत आणि कमी वयामध्ये हे मात्र सेन्सिबल आपल्याला पाहायला मिळतं गुड कॅप्टनशिप ऑफस्टम्पच्या खूपच बाहेर होता यस व्हाईट बॉलचा इशारा येत असताना पाहायला मिळतोय संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते जाऊन पोहोचते ती फलकावर 46 या धावसंख्येवर 46 रन्स ऑन द बोर्ड लागले आहेत 44 धावांची अजून सुद्धा आवश्यकता आहे वीरेंद्र बापरे मात्र या ठिकाणी संघासाठी प्रयत्न जारी आहेत त्याचे प्रयत्न ती परमेश्वर ऑन साईडला पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा मनसुबा बाळगला होता सिंगल त्या ठिकाणी जरूर मिळेल दुसऱ्या धावेसाठी पलटलेत फेक येईपर्यंत आराम के साथ दोन धावा पूर्ण होतील खेळपट्टीवर संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 48 स्वराज म्हात्रे त्या ठिकाणी मात्र बॅकअपसाठी येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत संघाची धावसंख्या 48 अजयजी इथून थोडंसं मात्र दूर जात असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय संघ कारण गोलंदाजी अप्रतिम पाहायला मिळत आहे ज्याप्रमाणे षटकार आल्यानंतर स्वतःमध्ये असलेली गुणवत्ता यावेळेला सिद्ध करण्याची ताकद हा गोलंदाज ठेवताना पाहायला मिळतोय जहाँ गेंदबाजी तो बहुत ही उम्दा है और हालांकि बल्लेबाजी में वीरेंद्र एक अकेले योद्धा की तरह लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए लेकिन फिर वही बात आती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है कंडीशंस को ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए है पालघर के खिलाड़ी स्लॉग स्वीप इस बार गेंद जा रही है बैकवर्ड्स पर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर स्टैंड में 6 रन खूप चांगला फटका या ठिकाणी वीरेंद्र बाबरेचे प्रयत्न चालू आहेत एका साईडला खूप चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळतो खूपच सफल झाले होते आणि तिथून काय पिक केलं चेंडूला सरळ चेंडूला फेकून दिलं फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनासाठी षटकार आल्यानंतर संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 54 या धावसंख्येवर इथून जर आपण पाहिलं तर अजून सुद्धा 36 धावांची आवश्यकता असणार आहे येणारे बॉल आहे 7 आणि 7 बॉलमध्ये 36 धावा यानी कि मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है क्रिकेट के खेल को देखते हुए 7 गेंदों में 36 भी बन सकते हैं हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है लेकिन जिस तरह से वीरेंद्र बाबरे खेल रहे हैं काबिले तारीफ पारी खेली है उन्होंने 11 गेंदों में 32 रन हार नहीं मानी है उनका लड़ने का जज्बा देखने को मिल रहा है मैन इन फॉर्म खोलवर चेंडू होता यावेळेला मात्र परफेक्ट बॅटचं एलिव्हेशन नव्हतं खूप चांगल्या चेंडूची हाताळणी केली जाते खेळपट्टीवर चेंडू राहतोय सिंगल मेल या सिंगलच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या पालघर फायटर्स या संघाची फाईट करत असताना आपण पाहू शकता आतापर्यंत झुंजतायत 55 जाऊन पोहोचली गेली म्हणजेच इथून अजयजी आपण पाहिलं तर 6 बॉल आणि 35 धावांची या ठिकाणी गरज असेल परंतु वीरेंद्र बाबरेचं यावेळेला क्लास आणि क्वालिटी जी मेंटेन केली गेले ती वाखाणेजोगे पाहायला मिळते म्हणतात ना परफॉर्मन्स इज टेम्पररी अँड क्लास इज परमनंट तो क्लास वीरेंद्र बाबरेच्या माध्यमातून आपण पाहताय सातपटीचा हा खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख जहां अपनी छाप छोड़ते हुए इस पहले मुकाबले में वीरेंद्र बाबरे ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अभी तक इस मैच में पालघर फाइटर्स के लिए और लीग स्वरूप में टूर्नामेंट खेला जा रहा है यदि पहला मैच हार भी जाते हो तो आपको दूसरे मैच में बाउंस बैक करने का जरूर मौका रहेगा 55 बने हैं 35 चाहिए 6 गेंदों का खेल शेष है मुकाबला पूरी तरह से झुका हुआ है ठाणे स्ट्राइकर्स के पक्ष में लेकिन अभी भी उम्मीद की आखिरी किरण के तौर पर वीरेंद्र बाबरे क्रीज पर मौजूद है और स्ट्राइक भी उनके पास है 6 गेंदों पर 6 बड़े हिट्स की जरूरत निश्चित स्वरूपात 6 बॉलवर 6 षटकार येणं फार गरजेची गोष्ट राहील वीरेंद्र एका साईडला आपण पाहतायत खूप चांगली फलंदाजी करताना त्याला सुरेख साथ त्यांच्या सहकार्यांनी दिली नाही फलंदाज मात्र एकामागोमाग एक बाद होत गेले आणि शिवान सिंगने मात्र जबरदस्त गोलंदाजी करत धावांवर लगाम लावला आणि फलंदाजाला चंबूच्या यावेळेला तंबूच्या आसऱ्याला परतावं लागलं 6 बॉल 35 धावा राईसिंग भिवंडी आणि एका साईडला आपण पाहणार आहोत संघ आहे पुणे पॅन्थर्स नेक्स्ट मॅच ऑन साईडला सफल झालेत काय बॉर्डरमॅनचा उपयोग करत असताना आपण पाहताय जोखीम पत्करणारा हा स्ट्रोक वीरेंद्र बाबरे सुपर बॅटिंग फॅन्टॅस्टिक बॅटिंग करत असताना आपण पाहू शकाल हार होना और हार मानने में जमीन आसमान का फर्क होता है यहाँ पर यह खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं है शॉट बनाया है कितना बाहर निकले हैं रिटर्न क्रीज की तरफ जाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर
वहां से उन्होंने उछाला है गेंद को, गेंद के नीचे घुसते हुए गजब का स्ट्रोक वीरेंद्र बाबरे के बल्ले से। बातों ही बातों में 39 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 13 गेंदों का सामना किया है और अभी भी मैच जीवित है मैं समझ रहा हूं, क्योंकि 5 गेंदों में 29 रन चाहिए। किस पास बॉल 29 धावा, वीरेंद्र बाबरे या वेला म्हणत असताना या वेला सुरेख पद्धतीने चेंडू पंचांकडे दादा जरूर मागितले गेले होते, उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी पाहायला मिळाला। मात्र एक धाव निश्चित स्वरूपात पाहायला मिळते लेग बाईच्या स्वरूपात। संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 62 या धावसंख्येवर, 62 रन्स ऑन द बोर्ड लागले आहेत। देखिए इतना बड़ा टारगेट होने के बावजूद भी केवल एक बल्लेबाज का बल्ला चला है, फिर भी आखिरी ओवर तक थोड़ा सा रोमांच तो देखने को मिला इस मैच में। अब केवल औपचारिकता नजर आ रही है, 4 गेंदों में 28 रन, तो और कोई बल्लेबाज वीरेंद्र को साथ देता तो जरूर कहानी शायद कुछ और हो सकती थी। निश्चित स्वरूपात ज्या पद्धतीने फलंदाज बाद होत गेले, वीरेंद्र बाबरेने प्रयत्न चालू ठेवले ऑन साइडला। जयेश या वेळेला आपण पाहता युवराज डुकलेच्या बॅट मधून मात्र कणखर दर्जेदार षटकार, गुड शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक इस बार। हालांकि ज्यादा छोटी गेंद नहीं थी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर भी थी, वहां से उन्होंने लपेटा है, खींचा है ऑन साइड में, टाइमिंग लाजवाब, खूबसूरत छक्का निकलता हुआ युवराज के बल्ले से। युवराज ने रन काफी खर्च किए थे अपनी गेंदबाजी में, अब थोड़े बहुत वसूलने की बारी है। निश्चित स्वरूपात युवराज ढुकले यंदाच्या हंगामामध्ये मोडगावच्या मैदानात काय जबरदस्त गोलंदाजी करत, फलंदाजी करत अनेक प्रेक्षकांची मणी जिंकली। गुड डिलिव्हरी, गुड डिलिव्हरी, सुंदर चेंडूची सांगता होत असताना पाहायला मिळते चेंडू निघून जाईल त्या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेगला, बाईच्या स्वरूपात एकदा पंचांच्या माध्यमातून या ठिकाणी सिग्नल येताना पाहायला मिळतोय। या सिंगलच्या साह्याने संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर आतापर्यंत 69 या धावसंख्येवर। असं वाटलं की पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर थोडासा सामन्यामध्ये ट्विस्ट निर्माण होईल, परंतु दुसऱ्या बॉलवर रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तिथे मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकताय थोडासा संघ बॅकफुटला जात असताना पाहायला मिळतोय। परंतु वीरेंद्र बाबरेचं मी या ठिकाणी खरोखरच कौतुक करेन, 14 बॉलमध्ये 39, पुन्हा एकदा सुरेख पद्धतीने मात्र स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न एकदा अर्जित केली जाईल आणि संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 70 घरामध्ये पोहोचली गेली। म्हणजे काय म्हणतील, ज्या पद्धतीने भाविश नाईकने जी फलंदाजी केली होती त्याच्याच कुशल नेतृत्वावर 48 धावा त्याने केल्या कुठल्या आणि 89 पर्यंत मजल मारली गेली आणि त्याच्या प्रत्युत्तर देत असताना वीरेंद्र बाबरेने खूप चांगला खेळ केला। जसं पृथ्वीराज यादवने जशी साथ दिली यावेळेला तशीच साथ जर दिली असती पालघर फायटर्सच्या फलंदाजाने तर कदाचित सामन्याला कलाटणी मिळाली असती। ऑन साईडला युवराज डुकलेचा हा अप्रतिम षटकार पाहायला मिळतो शेवटच्या बॉलवर आणि सरळ संघ जाऊन पोहोचला 76 च्या घरामध्ये, 76 आणि विजय या ठिकाणी प्राप्त करत असताना आपण पाहू शकतायत। 13 धावांनी मात्र या ठिकाणी विजय प्राप्त झाला। एका साईडला ठाणे स्ट्रायकर संघ खुश असतील आपल्या संघाच्या कामगिरीवर, खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं पालघर फायटर्स संघ सुरुवात मात्र डळमळी झाली होती आणि त्याच कारण आपण पाहू शकलात, परंतु वीरेंद्र बाबरे सुपर बॅटिंग, सुपर बॅटिंग मानना पड़ेगा वीरेंद्र बाबरे को, जरूर उनकी टीम मैच हारी है लेकिन उन्होंने अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर दर्शकों के दिल जीते हैं। 40 रन बनाकर नाबाद रहे, केवल 15 गेंदों का सामना किया, अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला नहीं तो फिर शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन फिलहाल ये उद्घाटनीय मैच धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप का जीत लिया है ठाणे स्ट्राइकर्स ने 13 रनों से। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम ठाणे स्ट्राइकर्स एंड हार्ड लक पालघर फाइटर्स। कप्तान की कप्तानी पारी, भावेश नाइक 18 गेंदों में 48 रन, ओमकार केनी के 21 रन, गेंदबाजी बहुत ही साधारण स्तर की रही पालघर फाइटर्स की। और अब अगला मैच पुणे पैंथर्स बनाम राइजिंग भिवंडी, ये पुणे पैंथर्स का पूरा स्क्वाड है, उनके टीम ओनर्स और मेंटोर आपके स्क्रीन पर, यशवंत भाऊ पसांगे, मंटी पाटिल एंड शिरसाट स्पोर्ट्स पुणे अर्थात पुणे पैंथर्स। पुणे पैंथर्स के सामने भिवंडी के यंगस्टर्स की चुनौती रहेगी। जी हाँ, राइजिंग भिवंडी, भिवंडी के खिलाड़ी भिवंडी में खेलेंगे बिनार के डीडी ग्राउंड पर। ये रहा राइजिंग भिवंडी का स्क्वाड, अल्ताफ बाली टीम ओनर, भावेश पवार और बिलाल शेख मेंटोर है और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी वहां पर नजर आते हुए, प्रीतेश पाटिल, विवेक शिलार, विनीत माली, आर्यन भोईर, करण पाटिल है, योगेश पालेकर है, प्रणय भोईर, गणेश ढिंगोरे शाहपुर के खिलाड़ी है
आइए चलते पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से ना केवल लीड किया बल्कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल देकर लीड किया है। कप्तानी पारी खेलने वाले कैप्टन ठाणे स्ट्राइकर्स के भावेश नाइक, 18 गेंदों में 48 रनों की शानदार पारी। इट्स ओवर टू चंद्रकांत शेटे। या पहिल्या मॅच मध्ये जबरदस्त कामगिरी करत असताना ठाण्याचा संघ जबरदस्त कामगिरी करताना पाहायला मिळाला आणि त्याचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच भावेश नाईक राहतात। या भावेश लवकरात लवकर यायचंय, मी मयूरजी विलास पाटील यांना विनंती असणार आहे आपण हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार भावेश यांना द्यायचा आहे। भावेशने जबरदस्त कामगिरी केली आणि एक युवा खेळाडू म्हणून छाप सोडली आहे। केंद्रीय मंत्री चषकामध्ये मॅन ऑफ द सिरीजची फोर व्हीलर कार देखील या युवा खेळाडूने मिळवली होती आणि आज देखील भावेशने जबरदस्त कामगिरी करत